जीतने वालों को मेरा सलाम। सो द फाइनली द वेट इज ओवर बेटा, दिस इज द वेरी फर्स्ट सेशन आउट ऑफ माई कमिटमेंट ऑफ 20 आवर्स ऑन केस स्टडी एंड केस सिनेरियो। क्या इंपॉर्टेंस है केस स्टडी का आपके पेपर नंबर 5 में, आई थिंक ईच एंड एवरी सी ए फाइनल स्टूडेंट नोज अबाउट द सेम। मैक्सिमम ये 30 मार्क्स के आसपास आपके पूरे सिलेबस में कवर करेगा, रिमेनिंग 70 मार्क्स आपका न्यूमेरिकल प्लस अदर एप्लीकेशन क्वेश्चंस रहेंगे, बट ये कंफर्म है इट विल कम फॉर अ मिनिमम ऑफ 20 मार्क्स एंड गो स्टिल 30 मार्क्स। इस सेशन का सिर्फ ये मेरा पर्पस नहीं रहेगा कि मैं केस स्टडी पढ़ के आपको बस कम्युनिकेट कर दूं। You will get much beyond that. न सिर्फ इस sessions में, इस 20 hours के session में आपको case study समझ में आएगी, बल्कि case study से related जो बहुत सारी आपके मन में queries है, जो एक डर बना है, fear जो है, मेरा एक ही purpose है इस 20 hour session में, न सिर्फ आपको एक एक case study जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आए in a very simple manner, but to provide you 100% कॉन्फिडेंस टू डील विद केस स्टडी। इवन मैं तो यहां तक बेटा आपको कमिटमेंट कर रहा हूं कि इस 20 आवर सेशन के लिए जो भी हमने मटेरियल प्लान किया है, जो स्ट्रेटेजी प्लान किया है, उससे मैं ये आपको अश्योर कर सकता हूं कि इवन एग्जामिनेशन में ऑल टुगेदर न्यू केस स्टडी भी अगर आती है, ये सेशन पे 20 आवर के सेशन पे आपने अपने 100% एफर्ट दिया है, देन आई विल गारंटी यू कि वो न्यू केस स्टडी भी आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स 20 आवर्स के सेशन का मैं वापस रिपीट कर देता हूं, सिर्फ ये नहीं है कि मैं केस स्टडी पढ़ूंगा और मैं केस स्टडी को आपको समझा दूंगा, मुझे उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको समझाना है, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करना है, राइटिंग एबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में सब कुछ आता है लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वहां पे इश्यू आता है, हर क्वेश्चन बदल जाता है, तो फिर हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती कि हमें किस डायरेक्शन में अपनी केस स्टडी में प्रोसीड करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया 30 मार्क्स मैक्सिमम इसका वेटेज रहेगा, लेकिन अगर 30 मार्क्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना बेटा, तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि 70 मार्क्स का जब आप अटेम्प्ट करोगे ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो अगर आप एक ओवरऑल स्कोर लाना चाहते हो कॉस्टिंग में 60 प्लस मार्क्स, तो न सिर्फ आपको जो बचा हुआ 70 मार्क्स न्यूमेरिकल प्लस अदर एप्लीकेशन क्वेश्चंस में आपकी स्ट्रॉन्ग पकड़ चाहिए, बल्कि जो 30 मार्क्स का पोर्शन है, नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन 20 आवर्स में मैं 30 मार्क्स का आपको इनफ कॉन्फिडेंस दे दूं, एंड इट्स नॉट माय अश्योरेंस, इट्स माय कमिटमेंट कि अगर आपने जो जो मैंने आपको सजेस्ट किया हूं वे केस स्टडी को कैसे डील करना है, अगर आपने वो प्रॉपरली फॉलो किया है बेटा, तो मुझे नहीं लगता इवन 1% भी प्रोबेबिलिटी है कि आपको केस स्टडी में कॉन्फिडेंस ना आए। सो मेहनत मेरे साइड से भी रहेगी, एट द सेम टाइम इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई एक्सपेक्ट टू बी फ्रॉम यू दैट यू शुड ऑल्सो डिवोट योर 100% वाइल वॉचिंग दिस सेशन। ठीक है, स्पेशली बेटा ये यूट्यूब के लिए हमने सेशन प्लान किया है, पहले था कि हम इसको अपनी वेबसाइट्स के द्वारा और हमारे जो पार्टनर्स की वेबसाइट के द्वारा है उनके थ्रू हम इसको मार्केट में सोल्ड आउट करेंगे, लेकिन फिर बहुत दिनों से यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी क्वेरीज आती थी, उनके डायरेक्ट मैसेज भी आते थे कि सर जो केस स्टडी सेशन है उस पे हमें मटेरियल अवेलेबल नहीं है ऑन द नेट, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें प्रोवाइड कीजिए। तो फिर मैंने प्लान किया कि एक काम करते हैं, अपन इसमें कमर्शियल नहीं जाते हैं, सीधा डायरेक्टली अपन ये YouTube चैनल में फ्री फॉर ऑल सभी स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं। इस सेशन में कभी भी आप मार्केटिंग नहीं देखोगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपके जो 30 मार्क्स के लिए जो मुझे बोलना है वही बोलूंगा। दिस केस स्टडी सेशन इज नॉट अबाउट माय मार्केटिंग, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, पूरे एफर्ट आप अपने 100% दीजिएगा, डेफिनेटली ये सेशन आपको केस स्टडी में 100% कॉन्फिडेंस दिलाएगा। अब आता हूं मैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूं। आई एम शरद अग्रवाल, टीचिंग दिस सब्जेक्ट बेसिकली द कोर्स एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अर्लियर वी नो दैट, सिंस लास्ट 15 ईयर्स।
पूरा एक्सपीरियंस मैं अपना यूज करूंगा इस 20 आवर्स के सेशन में, जहां जहां पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है या आती है, कंपेरेटिवली वहां पे मेरा फोकस यहां पर ज्यादा होगा। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा बेटा सेशन कुछ दो तीन टॉपिक से डिस्कशन करके, जनरल डिस्कशन, फिर उसके बाद अपन फाइनली स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर वन। ये जो 20 आवर्स के सेशन मिलेंगे आपको, ये आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। चैप्टर वन आज अपन कंप्लीट कर रहे हैं, फिर लगभग मान के चलिए अल्टरनेट डेज में आपको यूट्यूब में वीडियो मिलते जाएंगे, चैप्टर वाइज मिलते जाएंगे, ताकि जिन स्टूडेंट को जिस चैप्टर में कॉन्फिडेंस है और वो अपना अगर समय बचाना चाहते हैं उस 20 आवर्स में भी, तो वो एक पर्टिकुलर चैप्टर में ही जा सकते हैं। पूरे आईसीए की केस स्टडी अपन यहाँ पे कवर करेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर की, चाहे वो मॉड्यूल वन में दिया हो, चाहे वो मॉड्यूल टू में दिया हो, चाहे वो मॉड्यूल थ्री में भी दिया हो। इसके अलावा कुछ केस स्टडी जो आरटीपी और एमटीपी में मुझे लगती है कि जो आईसीए के स्टडी मटेरियल में उस टॉपिक से रिलेटेड वो केस स्टडी कवर नहीं है, उनको भी अपन यहाँ पे कवर करना चाहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट। अभी मैं दो पार्ट यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूं। पहला, क्या क्या इश्यू फेस होते हैं एक स्टूडेंट को जब वो केस स्टडी को डील करता है। ये जितने भी इश्यू है, ये राइट टाइम पर राइट केस स्टडी पे मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा इन पूरे 20 आवर्स में, क्योंकि जब तक आपकी जो कॉमन क्वेरीज है वो अगर रिजॉल्व नहीं होगी, तो मेरा जो पर्पस है 20 आवर सेशन में आपको 100% कॉन्फिडेंस दिलाना टू डील विद केस स्टडी, वो मैं नहीं मानता हूं फुलफिल हो पाएगा। तो जो कॉमन क्वेरी है वो भी मैं आपकी डील करूंगा, प्लस आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उस 20 आवर सेशन में, वो भी मैं अपनी तरफ से आपको एक बार कम्युनिकेट कर दूं। फिर फाइनली वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर वन, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसमें इन टोटल 10 केस स्टडीज एंड केस सिनेरियोस अपने पास अवेलेबल है। तो देखिए बेटा, ये सबसे पहला पॉइंट जो एक जनरल डिस्कशन है, इश्यू फेस बाय स्टूडेंट व्हाइल सॉल्विंग द केस स्टडी। जब एक बच्चा केस स्टडी को डील करता है तो क्या प्रॉब्लम फेस करता है, क्या क्या जनरल प्रॉब्लम्स है जो बच्चों से बातचीत होती है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली तो एक जनरल क्वेरी है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन केस स्टडी एंड केस सिनेरियो, इनमें क्या डिफरेंस है सर, क्या इनकी अप्रोच में इनको सॉल्व करते समय हमारी थॉट प्रोसेस अलग अलग होनी चाहिए, या दोनों की थॉट प्रोसेस सेम है, कितनी लेंथ देना है, किसमें ज्यादा लेंथ देना है, किसमें हमें ज्यादा एक्सपर्टाइज डिमांड करता है, ये पूरा डिस्कशन अपन करेंगे इस पूरे 20 आवर सेशन में। जब भी केस स्टडी आएगा, केस सिनेरियो आएगा, आई विल मेक यू क्लियर कि केस स्टडी और केस सिनेरियो में क्या डिफरेंस है, आपका जो लेंथ है वो कितना जाना चाहिए केस स्टडी में, कितना जाना चाहिए केस सिनेरियो में, कितना एनालिटिकल आपको होना पड़ेगा दोनों में, वी विल डिस्कस इन डिटेल। सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन प्रॉब्लम है जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करते हो, लैंग्वेज ऑफ केस स्टडी। आईसीए की स्टडी मटेरियल में, चाहे वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू, वॉल्यूम थ्री मॉड्यूल बोल दो आप उसको, तीनों मॉड्यूल में जब आप केस स्टडी देखते हो और फिर कभी केस स्टडी आपको आरटीपी और एमटीपी में उसी टॉपिक से रिलेटेड मिलती है, आई रिपीट, उसी टॉपिक से रिलेटेड मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर नंबर वन में मान के चलिए आपको एक केस स्टडी है प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। जब आपने स्टडी मटेरियल का वो केस स्टडी या केस सिनेरियो अच्छे से लर्न कर लिया कि प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी अंडर वैल्यू चेन एनालिसिस को हमें कैसे डील करना है, अचानक आप देखते हो आपके अटेम्प्ट में या आपके अटेम्प्ट के पहले जो आरटीपी और एमटीपी आई है उसमें भी क्वेश्चन कवर्ड है प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज का, लेकिन दोनों आपके स्टडी मटेरियल की जो लैंग्वेज है उस केस स्टडी की और वही कंटेंट का आपको केस स्टडी पूछा है प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटी, लेकिन जो आरटीपी एमटीपी या सजेस्टेड आंसर एग्जामिनेशन में जो आंसर दिया है उस लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है। तो यहां पे पहला एरिया है जहां पे बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होता है, क्या हमने पढ़ा कुछ था, लैंग्वेज कुछ और पढ़ा था, जबकि आरटीपी एमटीपी या एग्जामिनेशन में जो सजेस्टेड आंसर आईसीए ने रिलीज किया है उसकी लैंग्वेज अलग है। ये पहला एरिया जहां पे कॉन्फिडेंस लूज करता है स्टूडेंट। इस एरिया को डेफिनेटली अपन हर क्वेश्चन में डील करेंगे कि आपको लैंग्वेज क्या देना है, वेदर यू हैव टू फॉलो द आईसीआई स्टडी मटेरियल लैंग्वेज या आपको वो आरटीपी की लैंग्वेज फॉलो करना है या दोनों का एक मिडवे निकालना है। इन डिटेल हर क्वेश्चन में मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगा और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मानता हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि इसी टॉपिक पे
जब ये वाला केस स्टडी आया था तो लैंग्वेज ये थी, ये वाली लैंग्वेज है, आपको एक फिक्स फॉर्मेट दिया जाएगा। ये केस स्टडी के लिए बहुत जरूरी है बेटा, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे आप फिक्स फॉर्मेट के थ्रू केस स्टडी में प्रॉफिट कर सकते हो। तो जहां पर आपके पास फिक्स फॉर्मेट अवेलेबल है और आप उसको यूज करते हो तो डेफिनेटली इट विल बूस्ट यूर कॉन्फिडेंस। तो वो अपन पूरी कोशिश करेंगे, हर क्वेश्चन में मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा जहां पे फॉर्मेट अप्लीकेबल हो सकता है, जिस टॉपिक में फॉर्मेट अप्लीकेबल हो सकता है। तो फॉर्मेट के द्वारा अगर अपन अपने आंसर को प्लान करेंगे, राइट करेंगे, सो इट्स वेरी इजी एंड दैट डेफिनेटली दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सेकंड, ये पहला एरिया मैंने बताया, लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस आ जाता है। सेकेंड एरिया जो इससे ज्यादा खतरनाक है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल आप जब देखते हो, सपोर्ट एक टॉपिक ले लेते हैं अपन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आईसीआई के स्टडी मटेरियल चैप्टर नंबर 2 में जब आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरा गो थ्रू करते हो, उसकी थ्योरी कंप्लीटली, है ना, 100% आपने पूरे अपने एफर्ट्स दिया, उसकी पूरी थ्योरी जो है वो गो थ्रू किया, फिर जब आप आरटीपी एमटीपी या इवन स्टडी मटेरियल में ही कोई एक केस स्टडी देखते हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उसमें कुछ ऐसे कंटेंट अवेलेबल होते हैं उस केस स्टडी के सॉल्यूशन में जो आपको आईसीए के स्टडी मटेरियल में अवेलेबल ही नहीं थे एट द टाइम ऑफ डिस्कशन। ये दूसरा एरिया आप देखेंगे जहां पर बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होता है। क्या ये टॉपिक में ये वाला कंसेप्ट तो आईसीए ने हमें बताया ही नहीं था, अचानक इनके आंसर में, चाहे वो आरटीपी हो, एमटीपी हो या एग्जामिनेशन पेपर का सजेस्टेड आंसर हो, ये उसमें कैसे आ गया? ये दूसरा एरिया, इसको भी अपन डील करना है 20 आवर्स के सेशन में। हर चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल का कंटेंट में ये जो केस स्टडी में कंटेंट है ये अवेलेबल नहीं था, तो आपको अलग से उसकी मैं एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा ताकि जब आप वो टॉपिक, सपोज जो अपना डिस्कशन चल रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला टॉपिक, जब आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला टॉपिक लर्न कर रहे हो तो उसी समय अगर वो एक्स्ट्रा पॉइंट जो उस समय आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप लर्निंग स्टेज पर ही इसे डील कर लेंगे और फिर वो केस स्टडी में आएगा, तो फिर ये जो कॉन्फिडेंस लूज होने वाली बात होती है यहां पे इसको अपन अवॉइड करेंगे। मेरे पास पूरी लिस्ट अवेलेबल है किन किन क्वेश्चन में आईसीए के स्टडी मटेरियल में वो कंटेंट अवेलेबल नहीं है लेकिन वो केस स्टडी में कवर किया है। वो कंटेंट बिल्कुल आपको इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जब वो कंटेंट अवेलेबल होगा, जिस चैप्टर से रिलेटेड होगा, डेफिनेटली बेटा आपको पीडीएफ उसकी प्रोवाइड की जाएगी, यू कैन डाउनलोड दैट वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा लैंग्वेज वाला अपना। थर्ड, जब आप आईसीए का सजेस्टेड आंसर देखते हो तो कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे है बेटा, लिटरली ऐसे क्वेश्चन है जो प्रिंटेड सॉल्यूशन 7 to 8 पेजेस तक भी गए हैं। द प्रिंटेड सॉल्यूशन, अगर आप उसको अपने कॉपी में रिप्रोड्यूस करेंगे, रजिस्टर में रिप्रोड्यूस करेंगे, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो एक केस स्टडी जो मैक्सिमम अपने सिलेबस में जो डिफाइंड है वो 20 मार्क्स के ऊपर एक सिंगल केस स्टडी कभी भी नहीं पूछी जा सकती। आई रिपीट, मैंने नहीं बोला 20 मार्क्स मैक्सिमम, मैंने बोला एक क्वेश्चन एक केस स्टडी मैक्सिमम 20 मार्क्स की पूछी जा सकती है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 20 मार्क्स के लिए आप 16 रिटन पेजेस लिखे जो प्रिंटेड के रूप में आपके पास 7 to 8 पेजेस। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल लेंथ में जा रहे हैं उनके सॉल्यूशन, उनमें बहुत सारी चीज यूजफुल है, डेफिनेटली अपने को लर्न करना पड़ेगा, अंडरस्टूड करना पड़ेगा उन चीजों को, और कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल उस केस स्टडी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो अपन उसको कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। एंड आई गारंटी यू, ध्यान दीजिएगा, आई गारंटी यू आईसीआई कभी भी आपसे लेंथ में आंसर डिमांड नहीं करेगा आपकी कॉपी चेक करते समय। व्हाट आईसीआई रिक्वायर्ड इज द क्वालिटी आंसर। बहुत सारी कॉपी हमने देखा है जब स्टूडेंट अपनी कॉपियां बुलाते हैं, वो हमें व्हाट्सअप करते हैं या पर्सनली आते हैं अगर वो इंदौर के हैं, तो उनकी कॉपीज जब हम देखते थे शुरुआत में, स्पेशली 2018 में और 2019 के फर्स्ट हाफ में, तो हमें भी बहुत सरप्राइज मिलता था कि यार आईसीआई ने इसका सजेस्टेड आंसर इतना लेंथ में दिया है, बच्चे ने उसका 30-40% भी दिया है, मतलब 20 मार्क्स की केस स्टडी के लिए उसने 5 to 6 पेजेस ही लिखा है, जबकि प्रिंटेड सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो गेट गोज बियॉन्ड 15 पेजे, फिर भी आईसीआई ने उसको मेजोरिटी ऑफ द मार्क्स अवॉर्ड किया है। सो इससे ये क्लियर होता है, और ये एक स्टूडेंट का एनालिसिस नहीं है बेटा,
कई सारे स्टूडेंट्स की हमारे पास कॉपी आती है व्हाट्सएप में कि सर कहाँ गलतियाँ है आप हमें बताइए ताकि हम अगले अटेम्प्ट में वो गलतियाँ रिपीट ना करें, अपने आप को इम्प्रूवमेंट स्टेज में लाए। तो वो हमारे लिए भी एक लर्निंग स्टेज होती है कि ऐसे की मार्किंग सिस्टम क्या है। तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ लगातार 3 अटेम्प्ट तक मैंने चीज बिल्कुल एनालाइज किया हूं एक के बाद एक कि ICAI doesn't want the length of the answer. What ICAI wants, what the paper checker require is the quality answer. Precise लिखना है, लेकिन marks के according लिखना है। 10 marks की case study है, you have to write 3-4 pages. यही 20 marks की case study है, examination page में, आपके register के page की बात नहीं कर रहा हूं, examination page में 6-7 pages में अगर आप लिखते हो, they are more than enough. और वही अगर आपके register की page की बात करेंगे बेटा, तो लगभग आपके 2-3 पेज बिलोंग करेंगे रजिस्टर के, क्योंकि कंपेरेटिवली एग्जामिनेशन की जो कॉपी होती है उसमें मार्जिन थोड़ी कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। तो वहां पे 6-7 पेज मोर देन इनफ है। तो क्या यूजफुल है उस पर्टिकुलर केस स्टडी में जो प्रिंटेड ही उनके 7-8 पेजेस गए? तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में कम्युनिकेट करूंगा कि आपके लिए मॉडल आंसर ICAI का ये है, लेकिन ये चीजें आपको लिखना है, ये चीजों को बिल्कुल आपको इवन रीड आउट भी नहीं करना है, क्योंकि जो चीज आपको लिखना ही नहीं है रीड आउट करके मतलब ही नहीं है बेटा। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट समराइजेशन। केस स्टडी अगर आप चाहते हैं उस वन डे बिफोर रिवीजन में, खासकर वो स्टूडेंट जो बोथ ग्रुप अपियर होते हैं उनको तो सिर्फ बेटा वन डे मिलता है पेपर को पूरा रिवाइज करने में। और आपने अपना इंटर का एक्सपीरियंस यहां पर रिकॉल कीजिए, आपने पूरे साल भर उस पर मेहनत किया है, बट इफ यू कांट रिवाइज इन दोस वन डे बिफोर एग्जामिनेशन यू विल नॉट बी एबल टू राइट द आंसर इफ दैट टॉपिक हैज बीन आस्क्ड व्हिच यू हैव नॉट रिवाइज दैट टॉपिक बिफोर वन डे। ये हुआ होगा आपके साथ। तो बहुत जरूरी है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आपको लास्ट डे बिफोर एग्जामिनेशन रिवाइज करना ही पड़ेगा। और आप चाहते हो कि अगर आपने जो जो पढ़ा है 100% इफेक्टिवली 100% आप अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं समराइजेशन चाहिए कि ये जो केस स्टडी है जिसके प्रिंटेड सॉल्यूशन 3-4 पेजेस का है, इसको मैं अपने शब्दों में अगर हाफ पेज में समराइज करना चाहूं तो ये कैसे किया जाएगा, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा हर क्वेश्चन की समरी कि देखिए इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये है, ये इसके की पॉइंट है। आप अगर सिर्फ उतना भी रिवाइज कर लेंगे तो आराम से आप अंदर के कंटेंट बहुत इजीली लिख सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू आता है, जो इतनी लेंथी केस स्टडी होती है उनको समराइज कैसे करना ताकि कम से कम पॉइंट्स रिवाइज करके अपन पूरी केस स्टडी के कंटेंट को रिवाइज कर ले। फिर केस स्टडी विद न्यूमेरिकल, कुछ ऐसी केस स्टडीज भी आपको चैप्टर्स में मिलेगी जहां पर एप्लीकेशन भी इन्वॉल्व है, दैट इज लैंग्वेज पार्ट भी इन्वॉल्व है प्लस कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है। तो एक बहुत इसमें कॉमन कंफ्यूजन है कि सर क्या प्रपोर्शन रखे, मतलब कितना न्यूमेरिकल पोर्शन को अपन वेटेज दे, कितना थ्योरेटिकल एप्लीकेशन पोर्शन को वेटेज दे, फिर किसको अपन पहले स्टार्ट करें, क्या अपन एनालिटिकली पहले बात कर ले बाद में न्यूमेरिकली करें, ये सब देखना है। फिर जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दोगे इस टाइप की केस स्टडी में जिसमें न्यूमेरिकल भी अवेलेबल है, उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड आपको कंक्लूडिंग रिमार्क देना है या नॉन फाइनेंशियली आपको रिमार्क्स देना है, ये भी जो कंफ्यूजन है डेफिनेटली आने वाले जो 20 आवर्स के सेशन है अपने जो चैप्टर वाइज बाइसर्केटेड है उसमें 100% डील करेंगे। तो क्या क्या हो गया बेटा, सबसे पहला पॉइंट डिफरेंस बिटवीन केस स्टडी एंड केस सिनेरियो, उनमें राइटिंग में क्या इंपैक्ट पड़ता है, थॉट प्रोसेस में क्या इंपैक्ट पड़ता है। फिर जो लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाता है ICAI के उसी पर्टिकुलर टॉपिक में अलग अलग सोर्सेस में, उसको कैसे डील करना। कुछ नए कंटेंट अगर आपको कोई केस स्टडी में मिलते हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है उसको कैसे डील करना। फिर जो लेंथी केस स्टडी आपकी 7-8 पेजेस प्रिंटेड पेजेस की प्रिंटेड, उसको समराइज कैसे करना, यूजफुल अनयूजफुल डेटा कैसे सेग्रीगेट करना। एंड द लास्ट वन जो केस स्टडी विद न्यूमेरिकल है उसका क्या तरीका रहेगा, कितना न्यूमेरिकली वेटेज देना है, किसको पहले स्टार्ट करना है। एंड लास्ट पार्ट केस स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, तो किसके आधार पे देना है, किसको ज्यादा वेटेज देना है, ये सब चीजें जो इश्यू है ये 100% आपको इस 20 आवर्स के सेशन में
रिजॉल्व होते हुए मिलेगी बेटा, क्योंकि जस्ट मैंने जो आपको कम्युनिकेट किया एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, माय पर्पस इज नॉट कि बस मैं केस स्टडी आपको समझा दूं, आपको समझ में आ जाए, मेरे 20 आवर्स के सेशन का पर्पस सॉल्व हो गया, बिल्कुल भी नहीं। मेरे 20 आवर का सेशन का पर्पस तभी सॉल्व होगा जो एक्सक्लूसिवली यूट्यूब के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब जो बंदा इसे वॉच कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा 20 आवर्स आप मुझे दीजिए, आई गारंटी यू, मैं गारंटी बोल रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा वेटेज दे रहा हूं, आई गारंटी यू कि आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हमें पता है हमने जो सेशन प्लान किया, जो इसके अंदर के कंटेंट है, जिस तरीके से हम आपको ये लेक्चर डिलीवर करेंगे उसमें डेफिनेटली हो ही नहीं सकता कि बच्चे ने ईमानदारी से 20 आवर्स का सेशन देखा हो और उसको केस स्टडी में कॉन्फिडेंस ना आया, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, चल अब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपको बिल्डअप हो चुकी होगी जो लास्ट 10-15 मिनट्स में अपने डिस्कशन किया, तो एक्सपेक्टेशन में सबसे पहले ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, प्रोवाइडिंग यू द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस 20 आवर सेशन एंड इट्स अ गारंटी फ्रॉम आवर साइड। 20 आवर्स इफेक्टिवली डिवोट कीजिए, इफेक्टिवली मतलब होता है डूइंग द थिंग राइट द वेरी फर्स्ट टाइम, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बिना कोई डिस्ट्रेक्शन के साथ, जैसा आपको बोला जा रहा है, जैसा आपको थॉट प्रोसेस डेवलप की जा रही है, आप समय दीजिए पूरे 20 आवर्स और फिर अपने आप में चेंज देखिएगा। जो पहले आप में कॉन्फिडेंस था केस स्टडी को डील करने में, आफ्टर दिस 20 आवर सेशन आप अपने कॉन्फिडेंस को देखिएगा। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है जो आपके स्क्रीन में अपियर हो रहा है, प्रोवाइडिंग यू द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। यस, हम कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस बहुत बहुत जरूरी है। ये 30 मार्क्स जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ये इसमें बेनिफिट तो करेगा ही, बचा हुआ जो 70 मार्क्स का पोर्शन है जो आपको बहुत अच्छे से आता है आई अज्यूम, उस पे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जब मेरे पास 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए होगा तो मेरी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट रहेगी बेटा, है ना। अब क्या क्या आप एक्सपेक्ट करें इससे, फाइनली अगर मैं समअप करूं, यू कैन एक्सपेक्ट 3 थिंग, थॉट प्रोसेस एंड राइटिंग स्किल, दिस बोथ आर वेरी क्रूशियल टू डील विद केस स्टडी एंड केस सिनेरियो। सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्किल से नहीं होगा, थॉट प्रोसेस भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको इस 20 आवर के सेशन में कंटिन्यूसली पुशअप करूंगा कि देखिए इसको इस प्रकार से आपको इमेजिनेशन करना है। द रियल चैलेंज इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस न्यू सिलेबस इज द इमेजिनेशन पार्ट। The logic is very simple, beta. The logic is very simple. Please try to understand why I say focus so much on the thought process, on your imagination skill, on your application skill. Earlier at the inter level, I say if only focusing on your numerical skill, memorizing skill. But apart from memorizing skill, numerical ability, a good amount of weightage has been given on the thought process. We can call it imagination process. We can call it analytical process. Right now, you are a chartered accountant student. बहुत जल्दी बेटा, जब भी आपका अटेम्प्ट है, you are going to be a chartered accountant. जब भी कोई कंपनी में या आप प्रैक्टिस में एक लेवल पे पहुंच जाते हो मैनेजर की पोस्ट पे या सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट पे, तो फिर रियल लाइफ से रिलेटेड जो चैलेंजेस होते हैं क्लाइंट को, वो आपके सामने आपको प्रेजेंट किए जाते हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज आपको अप्लाई नहीं करना है, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, आपको अपना इमेजिनेशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगा के उस क्लाइंट को जो भी इश्यू आ रहा है आप उसको प्रॉम्प्ट मैनर पे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली उसको डील करके दे। तो जो एक ऑब्जेक्टिव है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न मैनुअली फाइल करना, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना, ऑडिटिंग करना, ये नहीं है। कंसल्टेंसी भी एक बहुत बड़ा रोल है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और जब भी आप 5 years प्लस आपको एक्सपीरियंस आ जाता है या आपके जॉब में या आपकी प्रैक्टिस में, तो डेफिनेटली फिर जो क्लाइंटल है वो आपके ऊपर और ट्रस्ट करता है, जो उसकी बिजनेस प्रॉब्लम है वो आपके साथ शेयर करता है और वो चाहता है कि आप उसकी बिजनेस प्रॉब्लम रिजॉल्व करें। ऑल्दो यू आर नॉट अ बिजनेस मैन, यू आर अ प्रोफेशनल, स्टिल जो क्लाइंट है हमारा वो तो बिजनेस मैन है, तो एक बिजनेस माइंड जो डेवलप करना है ना, वो इस सब्जेक्ट का बहुत बहुत प्राइम पार्ट है। थॉट प्रोसेस, कैसे एक बिजनेसमैन इस सिचुएशन को डील करेगा, कैसे एक मैनेजमेंट इस सिचुएशन को डील करेगा, वो अभी से आई से आपको रेडी कर रहा है
रियल लाइफ के लिए, इसलिए पेपर नंबर सिक्स भी तो बेटा इसलिए इलेक्टिव पेपर का पर्पज ही वही था कि भैया जो रियल लाइफ सिचुएशन है जो लेंथ में आती है सब मटेरियल आपके पास अवेलेबल रहता है सामने, यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना है, तो वो चीज तो ये इस पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। तो आप अश्योर रहिए जो 20 आवर्स का सेशन है ये स्पून फीडिंग वाला नहीं जाएगा, आई रिपीट स्पून फीडिंग वाला नहीं जाएगा। स्पून फीडिंग का मतलब होता है क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं और मैं ही आपको उसको पूरा आंसर समझा दे रहा हूं। एट द एंड ऑफ द सेशन आप बड़े कंफर्टेबल रहेंगे कि वाह यार 20 आवर सेशन YouTube में जो हमें मिला ये तो वाव है, इसमें तो सब कुछ समझ में आया। लेकिन एज अ टीचर जो मेरा एक्सपीरियंस है बोलता है सेशन समझ में आ जाना, केस स्टडी समझ में आ जाना इज नॉट अ गारंटी कि आप एग्जामिनेशन में भी उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। जब तक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, आई रिपीट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस और थॉट प्रोसेस आपकी डेवलप नहीं हुई यू विल नॉट बी एबल टू गेट द कॉन्फिडेंस। तो एक बहुत जरूरी चीज है, तो एक्सपेक्ट कीजिए आप इस सेशन से कि आपकी थॉट प्रोसेस में इंप्रूवमेंट आएगा। राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल में क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, कितना लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये सब चीजें अपन डिस्कशन करेंगे। फिर जो भी चैप्टर अपन यहां पे डील कर रहे हैं मैं कोशिश करूंगा इस 20 आवर सेशन में मैं मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर लूं, पूरे 12 चैप्टर्स लूं। बाय चांस कभी 20 आवर के सेशन में एक दो चैप्टर कवर नहीं हो पा रहा है तो मैं जल्दबाजी में कभी भी कोई भी चैप्टर के सेशन रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जब तक मैं आपको अपना पूरा 100% नहीं दूंगा मुझे भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये मेरा अश्योरेंस है, आपको गारंटी है कि जो भी चैप्टर आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल अपडेटेड रहेगा जुलाई अगस्त 2020 तक। जितनी भी केस स्टडीज उसके टॉपिक से रिलेटेड है, चाहे वॉल्यूम 1 हो, चाहे वॉल्यूम 2 हो, चाहे स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, वॉल्यूम नंबर 3 केस स्टडी का, इवन कुछ ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर कोई केस स्टडीज नहीं है आईसे के स्टडी मटेरियल में, उनसे रिलेटेड केस स्टडी अगर आरटीपी एमटीपी या एग्जामिनेशन पेपर में है या इवन आईसे की वेबसाइट में भी कुछ एडिशनल केस स्टडी है, लेकिन अगर वो केस स्टडी आईसे के स्टडी मटेरियल में कवर्ड नहीं है, मैं अपने 20 आवर सेशन में उन टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट, वन स्टॉप रेफरेंसर है ये जो आपका 20 आवर सेशन है, इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ में सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा पॉइंट्स मिल जाएंगे पॉइंट वाइज, उसके बाद आपको केस स्टडीज मिलेगी, केस स्टडीज का फिर आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हर केस स्टडी का आपको एक प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर मैं दूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का कि ये टॉपिक कभी भी अप्लाई होता है तो ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको ये देना ही पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा जो एक जनरल डिस्कशन मुझे आपके साथ करना था कि क्या क्या दिक्कतें आती है बच्चों को केस स्टडी वाले सेशन में और क्या क्या आप इस सेशन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। लास्ट एक और डिस्कशन मैं करना चाहूंगा फिर फाइनली अपन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जो केस स्टडी है बेटा उसके लिए आपको 3 चीजों पर वर्क करना है, जो केस स्टडी है उसके लिए आपको 3 चीजों पर वर्क करना है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस इनपुट फ्रॉम द क्वेश्चन प्लस योर एप्लीकेशन योर थॉट प्रोसेस विल कंप्लीट द केस स्टडी। आई रिपीट 3 इंग्रेडिएंट्स है कोई भी केस स्टडी कोई भी केस सिनेरियो के। पहला, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास थ्योरेटिकल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको केस स्टडी को लेंथ देना है तो यू मस्ट हैव द टेक्निकल नॉलेज, नॉट ओनली द टेक्निकल नॉलेज बल्कि इसके जो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है वो भी आपको टेक्निकली पूरे वर्ड्स के साथ मगअप होने चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक का। सेकेंड, 20-30% इनपुट आपको क्वेश्चन से ही मिलता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही मिलता है, वहां से आपको कट कॉपी करना है, दैट इज अ वेरी इजी टास्क। जो मैंने अभी तक आपको 2 बताया, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका बेस, सेकेंड आपका इनपुट होना चाहिए क्वेश्चन से, दिस विल कवर अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ योर केस स्टडी मार्क। जो रिमेनिंग 60% है दैट इज द क्रीम पार्ट, अप्लाइंग द थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू द क्वेश्चन। अब जैसे प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज है, जैसे जो चैप्टर अपन चालू करेंगे उसी के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है, उनके क्या बायफर्केशन होते हैं, ये सब आपको पता है।
दिस अमाउंटेड टू थ्योरेटिकल नॉलेज. आपको बोला जाए लिखने तो बिल्कुल आप प्राइमरी एक्टिविटीज के पांचों प्राइमरी एक्टिविटीज मुझे उसकी डेफिनेशन के साथ लिख के दे देंगे. ये आपका पहला लेवल खत्म होता है केस स्टडी का. यू हैव अ स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस. सेकेंड, इनपुट फ्रॉम द क्वेश्चन. कुछ थ्योरेटिकल डिटेल अपने को क्वेश्चन से कट कॉपी पेस्ट करके भी क्वेश्चन में लिखना पड़ता है. दैट इज अ वेरी इजी पार्ट. ये अगर आप दो पार्ट करते हैं तो यू आर स्कोरिंग 40% मार्क्स आउट ऑफ द टोटल. इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि अगर आपने बचा हुआ 60% नहीं लिखा तो आपको 40% मार्क्स मिल जाएगा. 60% मार्क्स के आधार पर ये 40% मार्क्स डिपेंडेंट है. नाउ द थर्ड पार्ट जिसके लिए आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट. अब प्राइमरी एक्टिविटीज आपको पता है कि ये पांच होती है. आपको एक क्लाइंट है जो रेडीमेड गारमेंट बिजनेस में है, उसके रिलेटेड आपको एक केस स्टडी भी है. रेडीमेड गारमेंट बिजनेस में है. अब वो क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए मेरे लिए प्राइमरी एक्टिविटी क्या है और उनके जो पांच बायफर्केशन है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं कैसे अप्लाई करूं. अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका थ्योरेटिकल नॉलेज काम नहीं आएगा, आपको अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द एप्लीकेशन पार्ट. मारुति इंडस्ट्री के लिए आप सपोर्ट एक्टिविटी फाइंड आउट कर रहे हो. सपोर्ट एक्टिविटीज का आपको नॉलेज होना चाहिए प्लस उस सपोर्ट एक्टिविटीज को आपको अप्लाई करना आना चाहिए. दैट बिलोंग्स टू द मेजोरिटी ऑफ द मार्क्स. तो चलिए रिपीट कीजिए बेटा, क्या तीन इंडिग्रेंट्स चाहिए आपको केस स्टडी के लिए. सबसे पहला इंडिग्रेंट अ स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस. मैंने थ्योरेटिकल बेस भी नहीं बोला हूं, मैंने स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस बोला हूं. लैंग्वेज देने के लिए आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है सबसे पहली रिक्वायरमेंट. सेकंड, सम डेटा फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. एंड द थर्ड एंड द मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन एबिलिटी. सो आई स्ट्रॉन्गली रिक्वेस्ट प्लीज राइट डाउन द सेम. एसेंशियल फॉर केस स्टडी. Part number A, part number B, and part number C. बनाइए बेटा ऐसा डायग्राम आप. Part number A, part number B, and part number C. The very first part is strong theoretical base of every topic. Strong theory base. The second part, input from the questions. बहुत सारी लेंथ बेटा जो क्वेश्चन में आपको इनपुट दिया रहता है वहीं से जनरेट होती है. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप क्वेश्चन की डिटेल को यूटिलाइज करना सीखे. लेकिन अगर मार्क्स वाइज बात करेंगे तो दिस इज जस्ट 40% मार्क्स. यहां से यहां तक सिर्फ अभी आपने स्कोर किया है 40% मार्क्स. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कन्वर्टिंग योर थ्योरेटिकल बेस इनटू द एप्लीकेशन पार्ट इज पार्ट नंबर सी, विच इज द मेन क्रूशियल पार्ट. कि कैसे आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को, जैसे एक टॉपिक अपन ने थोड़ा सा लिया था इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में आपको सब कुछ पता है. अब अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक पर्टिकुलर क्लाइंट आपसे डिमांड करता है कि आप मेरे अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन, एक वर्ड मैं बोल सकता हूं यस, कस्टमाइजेशन. केस स्टडी विल नेवर बी स्टैंडर्डाइज्ड. हर क्लाइंट को एक समान आप सलाह नहीं दे सकते. क्लाइंट टू क्लाइंट उसी टॉपिक को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें अपनी टेक्निक, हमें अपनी मेथोडोलॉजी, हमें अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ता है. क्योंकि क्लाइंट को जो रियल प्रॉब्लम है जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगी हमारी वो टेक्निक लगा के कोई मतलब नहीं है. सिमिलर सा है बेटा, एक फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होती है, एक मेडिकल जो शॉप होता है, फार्मेस्ट होता है, उसको भी नॉलेज होता है कि कौन सी मेडिसिन कौन से डिजीज में काम आती है. फिर भी आप और मैं डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लेते हैं, 1,000+ उसको फीस देते हैं विद अ वेटिंग पीरियड ऑफ समटाइम मोर देन 2-3 आवर्स. वो देने का पर्पस यही है
डॉक्टर के पास एक एडिशनल एबिलिटी है कि उसको ये तो पता है फार्मेस को कि ये मेडिसिन इस डिसीज के लिए काम आती है, इसको ट्रीट करने के लिए काम आती है, लेकिन उस फार्मेस्ट को ये नहीं पता है कि क्या वो मेडिसिन मेरी बॉडी को सूट करेगी या नहीं। यही एडेड एडवांटेज होता है डॉक्टर्स को, जिसके लिए अपन उसको 1,000+ उसकी कंसल्टेंसी फीस देते हैं एक थोड़ी भी बड़ी सिटीज में, और उसके लिए वेट भी करते हैं अपन 2 से 3 आवर। वही आईसीए एक्सपेक्ट करता है आपसे, यू हैव टू बी अ मास्टर इन एवरी टॉपिक अप्लीकेशन। तो जब आप इस थ्योरेटिकल बेस को अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन, क्या ये मेरे क्लाइंट को ये वाला टॉपिक बेनिफिट करेगा नहीं करेगा, अगर मैंने इसको इंप्लीमेंट किया तो क्या इसके प्रो होंगे, क्या इसके कॉन्स होंगे, कितना समय लगेगा इसके बेनिफिट आने में, क्या क्या नॉन फाइनेंशियल फैक्टर हो सकते हैं, ये सब चीजें कहलाता है हमारा एप्लीकेशन पार्ट। देखिए एप्लीकेशन पार्ट में बेटा नीचे इफ दैट पर्टिकुलर थ्योरेटिकल कंसेप्ट इज इंप्लीमेंटेड इन अवर क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, इज इंप्लीमेंटेड इन अवर क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन कॉमा वेदर द क्लाइंट विल बी बेनिफिटेड बाय दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, whether the client will be benefited by that particular concept, question mark, what will be the pros and cons of implementing the technique, what will be the pros and cons of implementing the technique, what are the non-financial consideration to be considered, etc. बेटा कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बोलता हूं जब भी कोई चीज बेटा आप नए सीखते हो तो उसमें समय लगता है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, ऑल टुगेदर न्यू चीज है। मैं खुद समझता हूं इंटर का जो आपका लेवल था और फाइनल में जो आपसे लेवल एक्सपेक्ट किया जाता है कॉस्टिंग में, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इंटर की कॉस्टिंग का और फाइनल की कॉस्टिंग का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ऑल टुगेदर डिफरेंट नीड एंड रिक्वायरमेंट है आईसीए की इस पेपर में। तो हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी, आप में वो एबिलिटी है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, सिर्फ आपको समय देने की जरूरत है। कभी भी बेटा उन टॉपिक को जिन टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आप उसको मगअप करने की कोशिश मत कीजिए, समय दीजिए, उसका पूरा सिस्टम समझिए। जब 2-3 क्वेश्चन में आप ये एप्लीकेशन एबिलिटी को लर्न करना सीख जाते हैं ना, तो लर्निंग इज नॉट अ शूट आउट प्रोसेस कि 2 क्वेश्चन किया तीसरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इट्स नॉट दैट, इट्स अ लर्निंग स्टेज। धीरे धीरे आप देखेंगे आप में इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन कभी भी अपनी एबिलिटी पे डाउट नहीं करना है। सबसे पहली सक्सेस की यही स्टेप होती है कि आप अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस रखिए कि अभी तक आप कर पाए हैं तो आगे भी कर पाएंगे, जो चीज नहीं है उसको हमारे को समय ज्यादा देना पड़ेगा। 10 आवर्स लगते हैं, हम 15 आवर्स देंगे, लगभग 1.5 टाइम्स देंगे, लेकिन उसको एक प्रॉपर मेथोलॉजी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको समझ के आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जनरली जो गलती होती है यहां पे अपन रटने की कोशिश करते हैं, केस स्टडी पढ़ते हैं, उसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं, तब जाके केस स्टडी समझ में आती है। दिस विल नॉट वर्क इन दो 3 आवर्स, आपको केस स्टडी मिलेगी, आपको अपने लेवल पर थॉट प्रोसेस डेवलप करके उसके आंसर्स लिखना है। तो एप्लीकेशन पार्ट को आप मगअप नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये जो मैंने आपको एक एक्सपेक्टेशन दिया उस बैच पे कि आपकी थॉट प्रोसेस और राइटिंग स्किल ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे बस मुझे एक ही एफर्ट्स चाहिए, जब भी मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं या आपको टाइम दूं अपनी थॉट प्रोसेस के लिए करने के लिए, तो आप बिल्कुल वो टाइम यूटिलाइज कीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है। ठीक है, चलिए। तो फॉर्मली ये हुआ एक जनरल डिस्कशन जो मुझे करना था इस केस स्टडी सेशन को स्टार्ट करने से पहले। नाउ इट्स ओवर, नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। गिव द हेडिंग बेटा इन कॉपी,
कॉपी में बिल्कुल लिखे बेटा आपको जो भी चीज आपको लगती है पॉइंट्स, लेक्चर अवेलेबल है आपके पास, ये वीडियो डाउनलोडेबल है, आप लेक्चर पॉज करके जो भी चीज आपको लगती है कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को बाद में भी रिकॉल करना जरूरी है, प्लीज नोट इट डाउन। अभी की मेहनत ये 20 आवर्स में ही अगर आपने बिल्कुल प्रॉपरली अपने आप को डिसिप्लिन मैनर पे लर्निंग स्टेज पे रखा है, आई गारंटी यू आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। अवर ऑब्जेक्टिव इन दिस 20 आवर सेशन इज प्रोवाइडिंग यू द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस दिलाना हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है अपार्ट फ्रॉम। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा बेटा, ये कॉन्फिडेंस आएगा एक प्रॉपर टेक्निक जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस टेक्निक पे फिर आपको वर्क करना पड़ेगा। कभी भी ध्यान रखिएगा, वन साइडेड गेम नहीं होता है, आपका कोऑपरेशन, आपके एफर्ट्स, आपके डिसिप्लिन एफर्ट ही आपको सक्सेस दिलाएंगे। तो जो जो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, आप उस पाथ पे चलिए और देखिएगा 20 आवर्स में। मैं बहुत कम इस टाइप की लैंग्वेज यूज करता हूं, आप मेरे कोई भी यूट्यूब के सेशन देखिए, कभी भी मैं बहुत बटर पॉलिश पे कभी यकीन नहीं करता हूं बेटा, कभी भी मैं अननेसेसरी आपको कमिटमेंट नहीं करता हूं। जो कमिटमेंट मुझे लगता है कि नहीं ये कमिटमेंट बिल्कुल मेरे द्वारा डिलीवर होगा, वही कमिटमेंट। और इस लेक्चर में अभी तक आपने देखोगे मैंने कई बार आपको गारंटी दिया हूं कि आप 20 आवर का सेशन मेरे अकॉर्डिंगली लेके देखिए जो आपके पास अवेलेबल है चैप्टर वाइज, और फिर एक बार अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा, डेफिनेटली उसमें बहुत 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 इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, चलो तो पहले चैप्टर की हेडिंग दीजिए बेटा, चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। चलिए बेटा, तो ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा, उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो बेसिक मिनिमम थ्योरी है जो मैंने आपको बोला, जो आपका पार्ट ए है, यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस। ये जो बेसिक मिनिमम आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आपको 100% मगअप करना पड़ेगा, चॉइस नहीं। समझिए उस चीजों को, और लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं डिमांड करती है। देखिए एक बहुत आती है, जनरल लैंग्वेज हम कितनी दे सकते हैं, मेरे हिसाब से 40% के आसपास, 30-40% आप बोल सकते हैं। आपको मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं बोलेंगे अपन, टेक्निकल लैंग्वेज बोले तो ज्यादा बेटर है। मॉड्यूल लैंग्वेज क्यों अपन बोले, टेक्निकल लैंग्वेज आपको देना पड़ेगा, चॉइस नहीं है बेटा। लैंग्वेज में वजन होना चाहिए, तब जाके सामने वाला मानता है कि यस यू आर द पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ राइटिंग स्किल। तो उसके लिए आपको 30-40% एज इट इज मगअप करना पड़ेगा। बचा हुआ 60-70% यस यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30-40% आपको मेहनत करो नहीं बोलूंगा, आपको 100% ये करना ही पड़ेगा। यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस इन ऑर्डर टू सिक्योर 100% मार्क्स इन केस स्टडीज। ओके, सो जो ये आपको केस स्टडी का पीडीएफ मिल रहा है चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हाँ, एंड कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग द वीडियो, और जो टेलीग्राम चैनल की भी आपको लिंक मिलेगी बेटा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी अपडेट होता है आईसीआई का, सबसे पहले हम आपको अपडेट कराएंगे उस नए अपडेट जो आईसीआई ने इस पेपर नंबर 5 से रिलेटेड किया है। तो मैं इस पीडीएफ वाले मारा था, इस पीडीएफ में जो एक बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए आपको थ्योरेटिकल चाहिए वो है। सेकंड, इस पीडीएफ में आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल की जो जो केस स्टडी इस टॉपिक से रिलेटेड है, चैप्टर से रिलेटेड है, वो भी आपको मिलेगा। एंड थर्ड पॉइंट, स्ट्रक्चर वाइज आप देखेंगे तो जो आपके स्क्रीन में चल रहा है, हर केस स्टडी का आपको वहां पे स्ट्रक्चर मिलेगा। इफ यू विश यू कैन राइट डाउन दो स्ट्रक्चर इन योर कॉपी, पॉज कर लीजिएगा लेक्चर, उसको लिखिएगा, और वो आपके लिए बहुत काम आएगा। जैसा मैंने जो एक आपका इश्यू बताया था कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट फेस सच प्रॉब्लम ऑफ समराइजिंग द केस स्टडी, तो वहां पे वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो टोटल जब आप इस चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इसमें एक अकेला टॉपिक है वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसके ऊपर पूरी 10 केस स्टडीज ड्राफ्टेड है। यस यस, यू हर्ड इट राइट, 10 केस स्टडीज इस पूरे चैप्टर में ड्राफ्टेड है। एक बार इसका केस स्टडी का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ भी चुका है, प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस का,
आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज नवंबर 2019, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इट इज मे 2019. डेफिनेटली 2019 में इस चैप्टर से 10 मार्क्स की केस स्टडी आ चुकी है एंड इट्स वेरी इजी. ये जो चैप्टर है बेटा ये 100% नॉन न्यूमरिकल चैप्टर है, मतलब इसमें कोई न्यूमरिकल कैलकुलेशन नहीं है आपको, और जो थ्योरेटिकल का वेट है या उसकी लैंग्वेज अपन बोलेंगे दैट इज वेरी वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली. कुछ एक टॉपिक आपको मिलेंगे आपके अपने पूरे सिलेबस में, जैसा बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल हो गया, डेमिंग के 14 पॉइंट्स हो गए, वहां पर लैंग्वेज में कहीं ना कहीं इश्यू आता है क्योंकि बहुत टेक्निकल लैंग्वेज आता है. कैनबैन कार्ड हो गया, वेरी टेक्निकल लैंग्वेज, फिर अपना इस प्रकार की जो थ्योरी है. लेकिन ये जो चैप्टर है पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 1, जो इसमें 5 टॉपिक है, इनकी जो लैंग्वेज है दैट आर वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली. तो टोटल अपन ने इस टॉपिक को अपने पर्पस के लिए, टॉपिक एक ही है वैल्यू चेन एनालिसिस, उस वैल्यू चेन एनालिसिस को अपन टोटल 5 पार्ट में बायफर्केट कर रहे हैं. जब आप इसका एबीसी एनालिसिस करेंगे तो आउट ऑफ दोस 10 केस स्टडीज, 5 केस स्टडी सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सब टॉपिक से रिलेटेड है एंड दैट इज प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज अंडर वैल्यू चेन एनालिसिस. एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ योर होल सिलेबस इज चैप्टर नंबर 1. और उस चैप्टर नंबर 1 में अगर सबसे सिंपल टॉपिक आप देखोगे लैंग्वेज वाइज अंडरस्टैंडिंग वाइज, तो वो आपको मिलेगा प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटी. आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है प्राइमरी और सपोर्टिंग एक्टिविटीज के, टोटल 5 क्वेश्चन. फिर 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पॉर्टर्स के, जो माइकल पॉर्टर है जो इसका ऑथर है वैल्यू चेन एनालिसिस का, माइकल पॉर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल के ऊपर आपके पास 2 केस स्टडी अवेलेबल है. फिर अगली 2 केस स्टडीज आपको मिलेगी सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाले टॉपिक के ऊपर. मेरे हिसाब से तो उस पर और भी केस स्टडी ऐसे को इश्यू करना चाहिए बिकॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द रियल वर्ल्ड परस्पेक्टिव. और एक केस स्टडी अपने पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और वैल्यू चेन एनालिसिस, जब हम एक सर्विस सेक्टर में लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं वैल्यू शॉप मॉडल, उससे रिलेटेड है. तो कॉपी में लिखिए बेटा एबीसी एनालिसिस. इसमें लिखिए बेटा नंबर ऑफ केस स्टडी, 2 कॉलम बनाएंगे, नंबर ऑफ केस स्टडीज एंड सेकेंड कॉलम आप बनाइए टॉपिक, नंबर ऑफ केस स्टडीज एंड टॉपिक. ये लिखाने का पर्पस क्या है, इससे आप अपना एक माइंडसेट डेवलप कर पाएंगे कि किस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर हमें पर्टिकुलरली अपने एफर्ट्स ज्यादा देने हैं. क्योंकि जिस पे ज्यादा केस स्टडीज है मतलब उस पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट कुछ नहीं है बेटा अभी तक न्यू सिलेबस में, क्योंकि जब आप आरटीपी देखेंगे इस मई 2020 का जो अटेम्प्ट होने वाला था जो नहीं हो पाया, उसकी आरटीपी अगर आप देखेंगे जो अप्रैल 20 में रिलीज हुई थी, तो उस आरटीपी में आप देखिए बहुत सारे आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसके ऊपर एक भी केस स्टडी नहीं थी अभी तक आईसीआई के पास, उस पर दो दो तीन तीन केस स्टडी दी है. तो देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट एज सच येट इन दिस न्यू सिलेबस. अभी बहुत कुछ ऐसे टॉपिक है जो आईसीआई ने अभी तक पूरे 2018 और 2019 के अटेम्प्ट में टच भी नहीं किया है, उसके ऊपर भी आईसीआई आरटीपी और एमटीपी के द्वारा नए नए केस स्टडीज बना के आपको दे रहा. फिर भी एबीसी एनालिसिस मदद तो आपको करता है बेटा, क्योंकि जो ट्रेंड है वो पूरा रिवर्स नहीं हो सकता. जिस टॉपिक पर आईसीआई ने डेफिनेटली अपने पूरे पब्लिकेशन पे ज्यादा वेटेज दिया है, चांसेस ज्यादा है कि उनसे मेजोरिटी ऑफ योर एग्जामिनेशन पेपर अपियर होता है. एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर. तो 2 हेडिंग दीजिए आप, सबसे पहला नंबर ऑफ केस स्टडीज एंड सेकेंड टॉपिक है आपका, और सेकेंड कॉलम की हेडिंग है टॉपिक. टोटल 5 केस स्टडी आपको पूछा है. सबसे पहला टॉपिक जो है एंड दैट इज प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटी. प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज, 2 केस स्टडी आपको मिलेगी पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल. दो केस स्टडी आपको मिलेगी सुपीरियर परफॉर्मेंस
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और एक केस स्टडी आपको मिलेगी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्लस वैल्यू शॉप मॉडल। तो टोटल आप देखेंगे, टोटल इस चैप्टर में 10 केस स्टडीज आपके पास अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 में, और ये सभी आईसीए की बेटा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के एक भी केस स्टडी अपन यहां पे कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अपन अपना पूरा फोकस करना चाहते हैं आईसीए के पब्लिकेशंस में जो जो केस स्टडी अवेलेबल है उन्हीं के ऊपर। बहुत कुछ करने की कोशिश में फिर वो मजा नहीं आता, फिर जो कर रहे हो वो अगर दिमाग में नहीं बैठे तो वेस्टेज ऑफ टाइम आपका भी है बेटा, हमारा भी है। चलिए स्टार्ट करूं। तो सबसे पहले अपन जो इसका टॉपिक है, जो हेडिंग है वैल्यू चेन एनालिसिस, जो भी अपन थ्योरेटिकल नॉलेज है बेटा वो बहुत इनडेप्थ मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि इस 20 आवर सेशन में मुझे केस स्टडी कवर करना है। लेकिन केस स्टडी को स्टार्ट करने से पहले उसका एक थ्योरेटिकल बेस मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको, मैं कहीं भी आपको ये टॉपिक समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि पता चले नहीं तो फिर पूरी रेगुलर बैच हो गई है, अपना पूरा फोकस है केस स्टडी के ऊपर, तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपको थ्योरेटिकल स्ट्रॉन्ग बेस आपका ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं आपके लिए फोकस करूंगा स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस को कैसे अपन केस स्टडी में राइटिंग स्किल और थॉट प्रोसेस डेवलप करें, ठीक है। बस रिवीजन के पर्पस के लिए मुझे एक बार बताना पड़ेगा ताकि आपको भी एक फ्लो मिले जब आप केस स्टडी कर रहे हो। तो टॉपिक का नाम है वैल्यू चेन एनालिसिस, इसी टॉपिक के ऊपर आपकी पूरी केस स्टडी चैप्टर नंबर 1 की डिपेंडेंट है। वैल्यू चेन एनालिसिस जिस ऑथर ने दिया था, जो आपको थर्ड पॉइंट में मिल रहा है, ऑथर माइकल पॉटर, ये बिल्कुल आपको नाम याद रखना पड़ेगा, माइकल पॉटर। ईयर नहीं भी याद रखिए 1985 इट विल वर्क, लेकिन ऑथर का नाम आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। माइकल पॉटर ने वैल्यू चेन एनालिसिस का कंसेप्ट दिया था। इसका कहना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी एक्टिविटीज है, आप उन एक्टिविटीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटी मेरे लिए वैल्यू एडेड एक्टिविटी है और कौन कौन सी एक्टिविटी मेरे लिए नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी का सिंपल मतलब है जिससे मेरे कस्टमर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो माइकल पॉटर का जो कंसेप्ट है वैल्यू चेन एनालिसिस का, उसका मानना है सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन सी एक्टिविटीज है, और उन एक्टिविटीज को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, नाउ यू शुड एनालाइज वॉट आर द वैल्यू एडेड एक्टिविटी एंड वॉट आर द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। इस कंसेप्ट का बेसिक फोकस है कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को हम एलिमिनेट करें या मिनिमाइज करें अगर वो एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैंने दो टेक्निकल वर्ड यूज किया बेटा, आप ध्यान दीजिएगा, थ्योरी के यही टेक्निकल वर्ड होते हैं, अगर आपने इनको नहीं लिखा तो इनके फिर मतलब नहीं आते हैं। तो सबसे पहले मैंने वर्ड बोला आइडेंटिफाई, सबसे पहले आपको अपनी पूरी चेन, पूरी एक्टिव चेन में अलग अलग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। जब एक्टिविटीज आइडेंटिफाई हो जाए फिर आपको उसको एनालाइज करना है इनटू वैल्यूएटेड एंड नॉन वैल्यूएटेड एक्टिविटी। नॉन वैल्यूएटेड एक्टिविटी मतलब जो ऐसी एक्टिविटी जिन पर मेरे द्वारा खर्चा हो रहा है लेकिन मेरे कस्टमर को एक रुपए का भी उससे बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो दो ऑब्जेक्टिव प्ले करता है ये मेरा वैल्यू चेन एनालिसिस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाइंग एंड डिटेक्टिंग द नॉन वैल्यूएटेड एक्टिविटी सो दैट इट कैन बी एलिमिनेटेड। सेकेंड पॉइंट, इस पूरी प्रोसेस में आपको अपने आप में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैन कम फ्रॉम टू सोर्सेस, पढ़ेंगे इसको आगे अपन, कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशियल एडवांटेज, ये बेसिक इसका कंसेप्ट है माइकल पॉटर का वैल्यू चेन एनालिसिस का। अब सबसे पहले टॉपिक में मैं हूं जिसमें टोटल आपके पास 5 केस स्टडी अवेलेबल है, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्ट एक्टिविटी। तो माइकल पॉटर ने टोटल एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एक्टिविटीज को टोटल 9 पार्ट में बाइफर्केट किया है, जिनमें से 5 पार्ट आपके प्राइमरी एक्टिविटी के हैं और 4 पार्ट आपके सपोर्ट एक्टिविटी के हैं। कभी कभी सपोर्ट एक्टिविटी को सेकेंडरी एक्टिविटीज भी बोला जाता है।
अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा, जो जो आपको इस पीडीएफ में मिल रहा है ये बेयर मिनिमम है आपके थ्योरेटिकल बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए। आई रिपीट द वर्ड बेयर मिनिमम, मतलब इसमें कुछ भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते, इतना तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, अब प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है, ये डेफिनेशन भी डिफाइंड है माइकल पॉर्टर के द्वारा, हर वो एक्टिविटी जो मेरे प्रोडक्ट को क्रिएट करती है और वो मेरे प्रोडक्ट को क्रिएट होने के बाद डिलीवर करती है एंड कंज्यूमर को। अब आप इसमें दूसरी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोस विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग द इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट इनटू आउटपुट एंड डिलीवरिंग टू द कस्टमर। लैंग्वेज नहीं बेटा, कंटेंट का मीनिंग वही निकलना चाहिए। देखिए आप पढ़िए एक बार ये लैंग्वेज, प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोस एक्टिविटी दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड विद क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट टू द एंड कंज्यूमर। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने ये लैंग्वेज लिखा हो, प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोस एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट एंड डिलीवरिंग टू द कस्टमर। 100% दोनों स्टूडेंट को पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। मीनिंग शुड बी क्लियर, चाहे मैं ये लैंग्वेज ले रहा हूं तो भी इसका मतलब है क्रिएट कर रहा हूं मैं प्रोडक्ट और डिलीवर कर रहा हूं। और इसमें मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं लैंग्वेज, तो मैं बोल रहा हूं मैं इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके अपने कस्टमर को जो मैं डिलीवर करता हूं दैट इज नोन एज प्राइमरी एक्टिविटी। सपोर्ट एक्टिविटी इज वेरी सिंपल, प्राइमरी एक्टिविटीज के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये सपोर्ट एक्टिविटीज उनको मदद करता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे ना, मैंने आपको बताया था लैंग्वेज, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो आपके आईसीआई की स्टडी मटेरियल में नहीं है लेकिन वो केस स्टडी में अपीयर हो जाते हैं, एंड दिस टॉपिक इज वन ऑफ देम। जब आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल देखोगे तो आपको जो प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी बताया गया है वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बताया गया है, जबकि इन पांच में से तीन क्वेश्चन तो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन कर रहा हूं। प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट होती है, जब तक केस स्टडी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड पूछेगा प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटी वाले टॉपिक से, तब तक आप बड़े कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन जैसे ही वो केस स्टडी पूछता है ट्रेडिंग सेक्टर से, जैसे ही वो केस स्टडी पूछता है आपके सर्विस सेक्टर के, तो वहां पर प्राइमरी एक्टिविटी तो होती है प्राइमरी एक्टिविटी तो होती है लेकिन उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ये जो मैंने आपको पीडीएफ दिया हूं, ये अपने आप में कंप्लीट पीडीएफ है। जब हम प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी बात करेंगे, ट्रेडिंग सेक्टर में इन एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है ये भी समझेंगे, और सर्विस सेक्टर में। अब क्वेश्चन अगर केस स्टडी ड्राफ्ट करता है आपके एग्जामिनेशन पेपर में कोई भी सेक्टर से रिलेटेड, तो आपको पूरा नॉलेज हो गया है क्या ट्रेडिंग सेक्टर में प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब ये है, सपोर्ट एक्टिविटी का मतलब ये है, सर्विस एक्टिविटी सेक्टर में प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब ये है। सो लेट्स स्टार्ट। प्राइमरी एक्टिविटीज टोटल पांच पार्ट में बाइफर्केट की गई है। स्टार्ट होता है, पहले एक बार पूरा नाम ले लेते हैं बेटा, फिर अपन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पढ़ेंगे, फिर अपन कन्वर्ट होंगे ट्रेडिंग में, फिर अपन कन्वर्ट होंगे सर्विस सेक्टर में, तो फाइनली फिर अपन वो पांच केस स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इनबाउंड लॉजिस्टिक, ये ऐसे नाम है जो आपको कट कॉपी पेस्ट अपने माइंड में फिक्स करने पड़ेंगे, आप नाम चेंज नहीं कर सकते, खासकर हेडिंग के अंदर के कंटेंट भी आपको कोशिश करना है कि जो डेफिनेशन पार्ट है वो 30-40% जो मैंने आपको बताया लैंग्वेज आपको मगअप करना पड़ेगा, 60-70% आप अपने मन से लिखो, लेकिन जो हेडिंग है इनके पांच हेडिंग इनकी आप टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं कर सकते। पहला है इनबाउंड लॉजिस्टिक, बोलते जाइएगा बेटा साथ में। सेकेंड है ऑपरेशन, बोलते जाइए, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा बेटा ना, क्योंकि आपके एफर्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जब आप बोलते हो तो डायरेक्टली आपके दिमाग में वो चीजें जाती है। पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक, सेकंड बोलिए ऑपरेशन, थर्ड आउटबाउंड लॉजिस्टिक, साथ में बोलते जाइएगा आउटबाउंड लॉजिस्टिक, फोर्थ है मार्केटिंग एंड सेल, एंड द लास्ट वन इज सर्विस। तो ये पांच मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज है, चाहे मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं, चाहे मैं ट्रेडिंग सेक्टर की बात करूं, चाहे मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं, ये पांचों एक्टिविटीज तीनों सेक्टर में अवेलेबल है, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग है। अब मैं आता हूं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन पांच प्राइमरी एक्टिविटीज के मतलब क्या क्या है। सबसे पहले मैंने बोला इनबाउंड लॉजिस्टिक, इनबाउंड लॉजिस्टिक में मेरे टोटल तीन एक्टिविटीज आती है मटेरियल से रिलेटेड। आई रिपीट, इनबाउंड लॉजिस्टिक में मेरे टोटल तीन एक्टिविटीज आती है मटेरियल से रिलेटेड। पहला रिसीविंग द मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, सेकेंड स्टोरिंग द रॉ मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, एंड थर्ड
इश्यूइंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो क्या तीन एक्टिविटी बोला मैंने आपको इनबाउंड लॉजिस्टिक में, रिसीविंग, स्टोरिंग एंड इश्यूइंग. अब देखिए बिल्कुल ये सिंक्रोनाइज्ड है बेटा ना, आगे पीछे आप टर्मोलॉजी नहीं कर सकते, यहीं पे कहीं ना कहीं फिर नंबर डिडक्ट होते हैं. सबसे पहले मैं रिसीव करूंगा सप्लायर से, उससे पहले अगर मैं बताऊं सबसे पहले तो मैं परचेज ऑर्डर प्लेस करूंगा. लेकिन ध्यान दीजिएगा परचेजिंग वाला जो फंक्शन है उसको प्राइमरी एक्टिविटी में नहीं रखा गया है, परचेजिंग वाला जो फंक्शन है वो रखा गया आपके सपोर्ट एक्टिविटीज में. मैं बताऊंगा उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हमने परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल को प्राइमरी एक्टिविटी नहीं माना, दैट इज अ सपोर्ट एक्टिविटी. तो सबसे पहले परचेजिंग होता है, फिर बाद में रिसीव होगा, लेकिन जब आप इनबाउंड लॉजिस्टिक की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो स्टार्ट होता है रिसीविंग रॉ मटेरियल, स्टोरिंग रॉ मटेरियल एंड इश्यूइंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. सेकेंड ऑपरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ऑपरेशन का मतलब है हर वो एक्टिविटी जो मेरे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रही है, चाहे वो रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का आपका WIP का टेस्टिंग हो, फिनिश गुड्स का पैकेजिंग हो, मशीनिंग प्रोसेस हो, क्या ये मेरे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रही है, दैट इज ऑपरेशन. ऑपरेशन को सिंपली आप बोल सकते हो बेटा इन अ कॉमन पार्लेंस मैन्युफैक्चरिंग. लेकिन जैसे मैंने बोला आप टर्मोलॉजी कहीं भी चेंज नहीं कर सकते, यू कांट चेंज द टर्मोलॉजी. तो टर्मोलॉजी बिल्कुल आपको वही रखना पड़ेगा, ऑपरेशन मतलब इनपुट को जो आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं. फिर इनके एग्जांपल्स भी आपको याद रखना पड़ेगा, मशीनिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग, फिर आपका मशीन मेंटेनेंस, सब चीज यहां पे आ जाएगी. तो दो हो चुका है बेटा अपना, पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक, सेकंड ऑपरेशन, थर्ड आउटबाउंड लॉजिस्टिक. आउटबाउंड लॉजिस्टिक स्टार्ट होता है आपका फिनिश्ड गुड्स जब बन गया और जब फाइनली कस्टमर को आपने डिलीवर कर दिया, तो कलेक्टिंग द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री, ये पहला फंक्शन. सेकंड स्टोरिंग इन द वेयरहाउस, सेकंड फंक्शन. एंड फिर डिलीवरी जो चैनल है आपकी जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर को डिलीवर करते हैं वो आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आएगा. यहाँ पे डिलीवरी व्हीकल जो है वो भी आपके यहीं पे कवर्ड होंगे. फिर फोर्थ एक्टिविटी आपकी है मार्केटिंग एंड सेल्स. बहुत सिंपल है मार्केटिंग एंड सेल आपका. मार्केटिंग एंड सेल बोलता है कि वो मीन्स जिसके द्वारा आप अपने कंज्यूमर को अपना ब्रांड, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के बारे में अवेयर कराते हो. तो मार्केटिंग एंड सेल का सिंपल मतलब क्या है, वो मीन्स जिसके द्वारा मैं अपना प्रोडक्ट, मैं अपनी सर्विस या मैं अपने ब्रांड को कस्टमर को अवेयर कराता हूं. इसमें आपका एडवर्टीजमेंट आएगा, प्रमोशनल एक्टिविटीज आएगा, सेल्स टीम के खर्चे आ जाएंगे, ये कहलाएगा आपके लिए मार्केटिंग एंड सेल. एंड द लास्ट वन इज सर्विस, मतलब जब फाइनली मेरा कस्टमर मेरा प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो गया तो डिलीवर्ड होने के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, कभी कभी कोई कंपनी इंस्टॉलेशन देती है. जैसा कभी भी आप टीवी परचेस करते हो तो आपको इंस्टॉलेशन फ्री होता है, फिर वॉशिंग मशीन परचेस कर रहे हो इंस्टॉलेशन फ्री होता है, तो ये जो है ये आफ्टर सेल सर्विस में आएगा. फिर इंस्टॉलेशन हो गया, बंदा उसको यूज कर रहा है, यूज करते समय अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आफ्टर सेल सर्विस भी आपके सर्विस में आएगी. तो कम ऑन बेटा, कितनी एक्टिविटी हुई टोटल, पांच. क्या क्या, इनबाउंड लॉजिस्टिक बोलते जाएगा जोर जोर के, इनबाउंड लॉजिस्टिक. सेकेंड ऑपरेशन, वेरी गुड. थर्ड बिना देखे आउटबाउंड लॉजिस्टिक, फोर्थ मार्केटिंग एंड सेल, एंड लास्ट वन इज सर्विस. तो पहले एक काम करें अपन, अभी मैन्युफैक्चरिंग का डील करते हैं, फिर जब वो केस स्टडी आएगी आपकी ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर की, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी एक्टिविटी वही है लेकिन उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं. और सपोर्ट एक्टिविटीज में टोटल आपके पास चार एक्टिविटीज है, प्रोक्यूरमेंट, मटेरियल को परचेस करने वाली एक्टिविटी, मटेरियल बोल दो कंज्यूमेबल बोल दो, वन एंड द सेम थिंग. फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी बात होगी, और फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर. एक एनालिसिस और है बेटा, जो पांच केस स्टडीज है उनमें से चार केस स्टडी फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी पर. सिर्फ एक ही केस स्टडी ICAI के पास अवेलेबल है जिसमें उन्होंने प्राइमरी एक्टिविटी के साथ आपको सपोर्ट एक्टिविटी भी पूछा है. तो सपोर्ट एक्टिविटी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए उतनी यूजफुल नहीं है, जितनी ज्यादा मेहनत आपको प्राइमरी एक्टिविटीज में करना है उसका 20-30% मेहनत ही आपको सपोर्ट एक्टिविटीज में करना है. सिर्फ और सिर्फ ये आपको हेडिंग याद हो और अंदर के कंटेंट याद हो, इससे ज्यादा आपसे वो डिमांड नहीं करेगा सपोर्ट एक्टिविटी में. एप्लीकेशन पार्ट में जो एप्लीकेशन पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइमरी एक्टिविटीज को ही डील करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए
अब आइए बेटा इससे रिलेटेड केस स्टडी, जैसे मैंने बताया आपको पांच केस स्टडी है आपके पास, और मैं आपको बताना चाहूंगा हमेशा एक थॉट प्रोसेस या स्ट्रक्चर बोल दो, अगर वो आपके पास अवेलेबल है देन इट विल बी वेरी 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 सिंपल फॉर यू टू हैंडल द केस स्टडी। हर केस स्टडी से रिलेटेड आपके स्क्रीन में एक स्ट्रक्चर अवेलेबल रहेगा, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अगर आप अपना आंसर प्लान करेंगे इन दो 3 आवर, तो बहुत कंफर्टेबली आपको पता रहेगा आपको क्या लिखना है, आपको ये भी पता रहेगा किस सिक्वेंस में लिखना है, फिर कितना लिखना है, ये सब चीजें आपको पता रहेगी। अप्लीकेशन पार्ट कहां पे आएगा ये भी पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर में दूंगा, अगर वो स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन चैलेंज प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज का आता है, तो जो मैं आपको अभी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर उस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो किया, एक केस स्टडी भी आपकी ऐसी नहीं होगी प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटी की जो स्ट्रक्चर से सॉल्व हो। कुछ एक टॉपिक ही ऐसे है जहां पर कोई प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर नहीं है, जिसमें फिर आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक आप देखेंगे इस पूरे 20 आवर सेशन में लगातार मैं आपको हर टॉपिक से रिलेटेड एक बिल्कुल फॉर्मेट टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का दूंगा, वो न सिर्फ आपको रिविजन में पर्पज में काम आएगा बल्कि आपकी थॉट प्रोसेस को भी डेवलप करेगा, मतलब आपकी राइटिंग स्किल को भी बढ़ाएगा कि हमें किस ऑर्डर में और कहां पे कितना कितना लिखना है। तो मैं देना चाहूंगा बेटा आपको पहले 2 से 3 मिनट, आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, आईसीआई के स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 1.10 का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपको हर क्वेश्चन के आगे रेफरेंस मिल जाएगा कि जो भी केस स्टडी है वो आपको आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में कहां पे मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वैल्यू चेन का क्वेश्चन है। तो 2 से 3 मिनट आपको देना चाहूंगा, एक बार आप एक क्वेश्चन पढ़िए और मुझे फिर ये बताना है, आपको कम्युनिकेट करना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्या आपने इसको इंटरप्रेट प्रॉपरली किया क्या। मैं अगर डायरेक्टली बता दूंगा तो शुरुआत में मजा नहीं आएगा, धीरे धीरे अपन क्या करेंगे बेटा केस स्टडी, फिर मैं आपको पढ़ने का आगे समय नहीं दूंगा, थोड़े केस स्टडी बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लेक्चर पॉज करके पहले केस स्टडी को अच्छे से पढ़ लीजिए, सीधा मैं उसको समझाना स्टार्ट करूंगा, इस प्रोसेस से मैं आपको 50 केस स्टडी अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स में दे पाऊंगा, तो आपके यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा। इनिशियली तो अपन साथ में पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जब अपन आगे बढ़ेंगे तो केस स्टडी रीडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देना चाहूंगा कि पहले आप लेक्चर पॉज करके एक बार पूरा केस स्टडी पढ़ लीजिए, फिर जब आप लेक्चर प्ले करेंगे तो वहां से फिर मैं आपको केस स्टडी को समझाना स्टार्ट करूंगा। तो जब मैं समझा रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपने अपने लेवल पर वो केस स्टडी पढ़ा, क्योंकि ये वेरी फर्स्ट केस स्टडी है, तो मैं अलग से आपको समय देता हूं इस लेक्चर में 3 मिनट का, आप पढ़िए और फिर मैं आपको बताता हूं केस स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमेशा हर केस स्टडी में क्या रहने वाला है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, 3 मिनट्स देता हूं बेटा मैं।
चलिए बेटा पढ़ा आपने, तो देखिए हर केस स्टडी में आपको बहुत वेटेज देना पड़ेगा उसके रिक्वायरमेंट पार्ट में। रिक्वायरमेंट पार्ट में सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा वर्ब कौन सा यूज किया गया है। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर इसके ऊपर लिया हूं कि आईसे ने एक वर्ब की पूरी लिस्ट इश्यू किया है कि ये वर्ब हम इश्यू करेंगे तो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे, तो मैं उस पर भी नहीं जाना चाहूंगा। उसके लिए सेपरेट डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देखेंगे तो आपके पास लिंक अवेलेबल रहेगी, वहां पे आप देख सकते हैं कि वर्ब की क्या क्या मीनिंग है जो आईसीआई ने एक पीडीएफ पब्लिश किया है। वर्ब देखिएगा और सेकंड उस क्वेश्चन का, उस केस स्टडी का रिक्वायरमेंट क्या है, आपसे क्या पूछना चाहता है, उस पर अगर आप अपना आंसर देंगे डेफिनेटली फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए स्टेट द प्राइमरी एक्टिविटी एज पर पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस इन द, अगर मैं यहीं पे इस रिक्वायरमेंट पार्ट को खत्म कर दूं, देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है बेटा प्रॉपरली रिक्वायरमेंट पार्ट को डील करना और नहीं करने से। जो मैंने अभी यहां पे कैंसिल किया उसको रहने दीजिएगा, सिर्फ आप इतना पढ़िए स्टेट द प्राइमरी एक्टिविटी एज पर पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस। इतना बोलूं तो ये हुआ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। जो ऊपर के तीन पैरा दिए हैं वो कोई काम के नहीं है, सिंपली आपको पांचों प्राइमरी एक्टिविटीज को यहां पे कम्युनिकेट कर देना है, दैट्स ऑल। लेकिन जो आप इस लाइन के साथ ये आगे वाली लैंग्वेज पढ़ते हैं, इन द वैल्यू चेन ऑफ एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड आपके क्लाइंट का नाम है इस क्वेश्चन में, इन द वैल्यू चेन ऑफ एबीसी लिमिटेड, तब आपको समझ में आता है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। तो यहां पे सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज कितने पार्ट में बायफर्केट होती है, हर प्राइमरी एक्टिविटी का क्या मीनिंग होता है। ये तीनों चीज, क्या बोला, व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटी, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी एंड व्हाट आर द मीनिंग ऑफ ईच क्लासिफिकेशन, जब ये तीनों चीज आपको पता है तो आपका स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस है। सेकेंड क्वेश्चन से फिर आप इंफॉर्मेशन उठाएंगे कि जो वैल्यू चेन एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड कौन है, एक ऐसा बंदा जो फैब्रिक से, क्लॉथ से, रेडीमेड गारमेंट उसका फिनिश गुड्स है, फैब्रिक को वो गारमेंट में कन्वर्ट करता है, इसका ये प्रोसेस है। तो ये इनपुट आपको 100% काम आएगा जब आप प्राइमरी एक्टिविटीज को आप एबीसी लिमिटेड की वैल्यू चेन एनालिसिस में अप्लाई करेंगे, कि आपने इनबाउंड लॉजिस्टिक बता दिया क्या होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, लेकिन जब उस इनबाउंड लॉजिस्टिक में आपको क्या लिखना है, ना सिर्फ आपको इनबाउंड लॉजिस्टिक का एक जनरल मीनिंग लिखना है बल्कि उसके साथ आपको एप्लीकेशन भी देना है एबीसी लिमिटेड के लिए, कि एबीसी लिमिटेड के लिए इनबाउंड लॉजिस्टिक का क्या मतलब होगा, कस्टमाइज्ड आंसर देना है। सिंपल वर्ड में स्टैंडर्डाइज्ड आंसर यहां पे नहीं चलेगा, थ्योरी होती तो स्टैंडर्डाइज आंसर होता, चूंकि ये केस स्टडीज है इसलिए यहां पे आपको कस्टमाइज्ड आंसर देना पड़ेगा। फॉर्मूले को बताना पड़ेगा ऑपरेशन का एबीसी लिमिटेड के लिए क्या मतलब है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक का एबीसी लिमिटेड के लिए क्या मतलब है, एक एक चीज जब आप उसको कम्युनिकेट करेंगे तब जाके वो आपको पूरे नंबर देगा। जैसा मैंने आपको बताया बेटा हर केस स्टडी का, या मैं बोलूं हर टॉपिक का, मैंने आपको एक प्री डिसाइडेड फॉर्मेट दिया हूं, स्क्रीन में आपके पास अवेलेबल है, आप इसको बिल्कुल लिख सकते हो लेक्चर पॉज करके। जब आप देखेंगे पहली पांच केस स्टडी जब मैंने आपको बताया ये रिलेटेड है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी से रिलेटेड, जब आप पांचों केस स्टडी का स्ट्रक्चर देखेंगे यू विल गेट 90-95% सेम स्ट्रक्चर। यस आई रिपीट, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए आपको इतना कॉन्फिडेंस दिला पाऊंगा इस 20 आवर्स के थ्रू, क्योंकि इस लेक्चर में हर केस स्टडी के टॉपिक का आपको एक प्री डिसाइडेड फॉर्मेट मिलेगा। वो टॉपिक अगर पूछेगा तो आप बस इस फॉर्मेट में उसको लिखते जाइएगा, आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपको मदद करेगी और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये सब चीजें आपको पता होगी। तो जब भी प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटीज, दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस में आपको बायफर्केशन का कोई भी केस स्टडी, केस सिनेरियो है, आपको ये मिनिमम चार चीजें लिखना है। सबसे पहले मैंने बोला डेफिनेशन, फिर ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑथर नेम, ये हुआ आपका पूरा जनरल थ्योरेटिकल बेस। फिर अब लास्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एक्टिविटी पूछा है क्वेश्चन है, आप सपोर्ट एक्टिविटी के बारे में यहां पर बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। फिर से एक बार आप रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ लीजिए, रिक्वायरमेंट पार्ट ने हमें क्लियर कट बोला है उसे प्राइमरी एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन चाहिए। तो प्राइमरी एक्टिविटीज के क्लासिफिकेशन में जब आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में लिखना है, उसका मीनिंग बताना है जनरल,
मीनिंग तक अगर आप आएंगे और क्लासिफिकेशन तक आप आएंगे तो यू आर डीलिंग विद द स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस। फिर ये सबसे स्पेशल पार्ट कि जब आपने उसका मीनिंग लिख दिया, इनबाउंड लॉजिस्टिक क्लासिफाई कर दिया आपने पूरी पांचों प्राइमरी एक्टिविटी, अब उसको अप्लाई करके बताना है आपको एबीसी लिमिटेड में, तो ये कहलाएगा आपका एप्लीकेशन पार्ट। आप चेक कीजिए बेटा, ये है केस स्टडी नंबर वन का फॉर्मेट स्ट्रक्चर। केस स्टडी नंबर टू देखिए आप, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, उसका भी फॉर्मेट बिल्कुल यही है। केस स्टडी नंबर थ्री आप देखेंगे, उसका भी फॉर्मेट पूरा यही है। मतलब मैंने क्या किया उस पूरे 20 आवर के सेशन में, एक पर्टिकुलर टॉपिक मैंने उठा लिया, प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटी, जितने उससे रिलेटेड आईसीआई के पास क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को मैंने पर्टिकुलरली एक एक लाइन, एक एक पैरा, एक एक इंफॉर्मेशन एनालाइज किया और ये देखा हूं कि यार क्या क्या बेसिक चीजें है जो हर केस स्टडी में आपको मिलती है, उस बेसिक चीजों को और जो एडवांस चीजें एप्लीकेशन पार्ट को, वो भी मैंने स्ट्रक्चर के रूप में दिए। जब आप केस स्टडी नंबर फोर देखेंगे, पहले केस स्टडी नंबर थर्ड अच्छे से देखिए, एक स्लाइड चेंज मिलेगा आपको केस स्टडी नंबर फोर में। देखा बेटा, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, ऑथर नेम, प्राइमरी एक्टिविटी हुआ, अब एक स्लाइड चेंज मिलेगा केस स्टडी नंबर फोर में आपको, ये वाला पार्ट, दो पार्ट। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि जब आप केस स्टडी नंबर फोर पढ़ोगे तो उसने बोला है स्टेट द एक्टिविटीज एज पर वैल्यू चेन एनालिसिस। उसने कहीं भी हमें प्राइमरी एक्टिविटी नहीं बोला, कहीं भी हमें सपोर्ट एक्टिविटी नहीं बोला, तो न सिर्फ मुझे प्राइमरी बल्कि मुझे सपोर्ट एक्टिविटीज के बारे में भी लिखना पड़ेगा। तो एक चौथा एडिशनल पॉइंट यहां पे जुड़ा जो ऊपर नहीं था। देखिए, अगर केस स्टडी नंबर थ्री और फोर में ऐसे कंपैरिजन करूं तो ऑथर नेम के बाद सीधा हम प्राइमरी एक्टिविटीज में जंप कर गए थे, क्योंकि पहली जो तीन केस स्टडी है, आप जब उसकी रिक्वायरमेंट पार्ट देखेंगे, क्लियर कट मेंशन है प्राइमरी एक्टिविटीज बताइए, जबकि केस स्टडी नंबर फोर में उन्होंने स्टेट द एक्टिविटीज बोला है, ना प्राइमरी बोला ना सपोर्टिंग बोला, तो हमें दोनों लिखना पड़ेगा। तो उसके पहले हमने क्या किया, एक अलग से एक चीज हमें लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, उनके मीनिंग क्या होते हैं, फिर हम प्राइमरी और फिर सपोर्ट एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे। फिर जब आप केस स्टडी नंबर फाइव देखेंगे, फिर वही नॉर्मल पैटर्न आ गया, क्योंकि केस स्टडी नंबर फाइव में भी सिर्फ और सिर्फ आपसे प्राइमरी एक्टिविटी पूछा है। तो कम्युनिकेशन क्लियर है बेटा, हर टॉपिक के मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगा, आप उस स्ट्रक्चर में जाइए, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अगर आप आंसर देंगे, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाइल राइटिंग द केस स्टडी। तो यहाँ पे बेसिक आप लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो। इसका जो पीडीएफ है वो इंटेंशनली मैं नहीं दे पाऊंगा बेटा आपको, उसके लिए सॉरी। स्ट्रक्चर आप बिल्कुल स्क्रीन से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप अभी नहीं लिखना चाहते, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा हाथ के हाथ अगर आप डिसिप्लिन मैनर में लिख लेंगे तो फिर आपका 20 आवर का सेशन पूरा इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉज करके आप लिख लीजिए बेटा, मैं अब इसको समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो जब भी मैं डेफिनेशन पार्ट की बात कर रहा हूं, मैं डेफिनेशन पार्ट में मैक्सिमम तीन से चार लाइन लिखूंगा, मैक्सिमम बोला बेटा, है ना। अगर सिर्फ पांच नंबर की केस स्टडी पूछा है, सेवन मार्क्स की केस स्टडी, केस सिनेरियो पूछा है, ज्यादा बेटर है आप इसको तीन से चार लाइन भी ना लिख के दो लाइन लिखे, ये भी मैक्सिमम तीन से चार लाइन, ये तो हमेशा बेटा वन लाइन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे लिमिटेशन है, ये जो है कि आप बैकग्राउंड बना रहे हो उस केस स्टडी का, प्राइमरी एक्टिविटी का। सबसे पहले आप वो डेफिनेशन दे दीजिए जो मैंने आपको इस पीडीएफ में भी दिया हूं कि वैल्यू चेन एनालिसिस इज वैल्यू चेन एनालिसिस कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विच आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी सो दैट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कैन बी एलिमिनेटेड। फिर आपको इसी पीडीएफ में मैंने ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड किया हूं, ट्विन ऑब्जेक्टिव है, पहला नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना, सेकेंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू अचीव करना, ये कंप्लीट हो गया। ऑथर नेम, दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय माइकल पॉर्टर, नाम याद रखना है, ईयर याद ना भी रहे 1985 तो भी चलेगा। तो ये तीन बेसिक चीजें शुरुआत हो चुकी है। अब आते हैं अपन प्राइमरी एक्टिविटीज में, प्राइमरी एक्टिविटीज का मीनिंग क्या होता है पहले ये बता दीजिए। ऑल द एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू आउटपुट एंड डिलीवरिंग द आउटपुट टू द कस्टमर इज नोन एज प्राइमरी एक्टिविटी। फिर क्लासिफिकेशन बताइए कि क्लासिफिकेशन क्या है, टोटल पांच क्लासिफिकेशन है। इनबाउंड लॉजिस्टिक साथ में बोलते जाएगा बेटा, रिविजन होते आता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक बोलिए, सेकेंड ऑपरेशन,
आउटबाउंड लॉजिस्टिक, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक के बाद मार्केटिंग एंड सेल, एंड द लास्ट वन इज सर्वे। फिर क्या करना है, क्लासिफिकेशन में आपको मीनिंग लिख देना है। जैसा पहला क्या था, इनबाउंड लॉजिस्टिक, तीन एक्टिविटी कवर्ड है, तो पहले जनरल मीनिंग लिखिए। इनबाउंड लॉजिस्टिक कवर्स रिसीविंग द रॉ मटेरियल, स्टोरिंग द रॉ मटेरियल एंड इश्यूइंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन ये हुआ थ्योरेटिकल नॉलेज, अब आपको इसको अप्लाई करना है एबीसी वैल्यू चेन में। तो अब आप क्या करेंगे, जब आपने लाइन लिख दिया इनबाउंड लॉजिस्टिक कि इसका मतलब ये है, फिर उसी पॉइंट में आप पैरा चेंज करके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि अब एबीसी एनालिसिस में इसका क्या मतलब है। जब आप देखेंगे तो हमारा जो क्लाइंट है वो रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चर करता है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल का मतलब होगा फैब्रिक, बटन, थ्रेड। तो अब यहां पे ये कन्वर्ट कीजिए आप, ऑल दी एक्टिविटीज रिलेटिंग टू रिसीविंग द फैब्रिक, बटन, थ्रेड, स्टोरिंग सच रॉ मटेरियल एंड इश्यूइंग सच रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड गारमेंट इज नोन एज इनबाउंड लॉजिस्टिक। ये हो गया बेटा आपका एप्लीकेशन पार्ट। कहां टफ है बताइएगा, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में जाएंगे तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। नहीं तो होता क्या है, हर केस स्टडी का आंसर फिर बच्चों को नया लगता है, वहीं पे फिर उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया बिल्कुल फर्म रहिएगा, आपके पास जो केस स्टडी है हो सकता है आपको जो सजेस्टेड आंसर मिले उसकी लैंग्वेज अलग हो, लेकिन जब आप उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे और अपने आंसर के कंटेंट को पढ़ेंगे दोनों का मीनिंग अगर सेम निकल रहा है 100% आपको मार्क्स अवार्ड होंगे। इसमें 1% भी डाउट मत रखिएगा बेटा, ये चीज बिल्कुल प्रूव है कि आईसीआई 100% सेम लैंग्वेज एक्सपेक्ट नहीं करता। बस जो टेक्निकल लैंग्वेज है 30-40% वो आप लिखिए, बचे 60-70% अपने मन से लिखिए, यू विल गेट फुल मार्क। फिर सेकंड आ जाइए बेटा ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है जो मेरी एक्टिविटी डायरेक्टली इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रही है, तो आप यहां पे लिखिए इस क्लाइंट के लिए एबीसी लिमिटेड के लिए हर वो एक्टिविटीज जो मेरे फैब्रिक को कटिंग डिपार्टमेंट, फिर जो मशीनिंग स्टिच कर रही है वाली एक्टिविटी, ये सब कहलाएगी मेरी यहां पे ऑपरेशन। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक लिखिए कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब कलेक्टिंग द फिनिश गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री, वेयरहाउसिंग इट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब यहां पे लिखिए, देखिए कोई पॉइंट दिया हुआ है क्या इसके लिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक के लिए, तो आप उसको यूज कीजिए। देखिए जैसे ये बोल रहा है लुधियाना में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो जब जो आपने अभी भी ऑपरेशन बोला वहां पे आप लुधियाना सिटी लिख सकते हो। फिर रॉ मटेरियल जो आपने इनबाउंड लॉजिस्टिक लिखा वहां पे बिल्कुल लिखिए फर्स्ट पैरा की लाइन, वी विल रिसीव मटेरियल फ्रॉम द वेरियस सप्लायर, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक के बारे में कुछ नहीं बोला तो जनरल लिख दीजिए, वी विल कलेक्ट द रेडीमेड गारमेंट्स फ्रॉम द फैक्ट्री एंड स्टोर इट इन द वेयरहाउस एंड डिलीवर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, दिस इज नोन एज आउटबाउंड लॉजिस्टिक। फिर मार्केटिंग एंड सेल, वी मेड अवेयर ऑफ अवर प्रोडक्ट, अवर ब्रांड, अवर सर्विसेज टू द कंज्यूमर, ये जनरल लैंग्वेज हुई। फिर इसके बाद आपको वहां पे लिखना है सेकंड पैरा में जब आप फोकस करेंगे, वी विल फोकस मोर ऑन एडवर्टाइजिंग दैट we will provide, we have already enhanced our quality, we will provide the long term warranty to our client. ये आपको advertise करना पड़ेगा या जाएगा आपका marketing sale में। और यहाँ पे service का मतलब installation तो होगा नहीं बेटा, क्योंकि ready-made garment है, after sale service जैसे जो customer support होते हैं वो भी नहीं। तो यहाँ पे जो return management होता है, जो आपने product बेचा as per जो भी quality norms के accordingly जब customer उसे use कर रहा है ready-made garment, तो अगर उसे कुछ भी डिफेक्ट आइडेंटिफाई होता है मैन्युफैक्चरिंग, तो वो आपको रिटर्न करेगा। कलर फेड हो जाता है कभी कभी रेडीमेड गारमेंट का, तो वो कस्टमर रिटर्न करता है, तो रिटर्न मैनेजमेंट वाला यहां पे आएगा आपके सर्विस में। दैट्स ऑल। जब आप केस स्टडी नंबर टू देखेंगे, केस स्टडी नंबर टू भी बिल्कुल इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ ऑडियो टेक इन इट्स वैल्यू चेन। तो फिर से ये वर्ड आ गया इंपॉर्टेंट, मतलब यह कहीं भी थ्योरेटिकल नहीं है, ये 100% आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है सेकंड केस स्टडी का। सबसे पहले आपको डेफिनेशन मैक्सिमम कितनी लाइन, 3-4 लाइन, ऑब्जेक्टिव 3-4 लाइन, ऑथर का नेम, फिर प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है वो बताइए, उनको क्लासिफाई कीजिए, जब आप क्लासिफाई कर रहे हो तो उनका जनरल मीनिंग लिखिए, और फिर जब वो हो जाए तो आपको फिर एप्लीकेशन पार्ट में जो ऑडियो टेक कंपनी है उसके हिसाब से आपको उसको कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। दैट्स ऑल।
ठीक है बेटा। तो ये तीन केस स्टडी का स्ट्रक्चर चूंकि बिल्कुल सेम है, इसलिए अपन अब सीधा जंप करते हैं चौथी केस स्टडी में, जहां पर आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। अब चौथी केस स्टडी का जब आप आंसर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ऑथर नेम के बाद अपन यहां पे एक पैरा जोड़ेंगे, टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो ये मैं इसलिए आपको कंपैरिजन करा रहा हूं, हर क्वेश्चन में आप ये नहीं बताएंगे कि वैल्यू चेन में दो एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी और सपोर्टिंग, और उनके मीनिंग बता रहे हो, दैट विल नॉट वर्क। जो चीज रिक्वायर्ड है वही आपको देना है, जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है वो नहीं देना। सर कैसे पता लगेगा? अगर रिक्वायरमेंट पार्ट क्लियर कट आपको बोल रहा है प्राइमरी एक्टिविटी, तो फिर आपको सपोर्ट एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन ही नहीं करना। लेकिन क्वेश्चन ने अगर सिर्फ एक्टिविटीज बोला है, तो डेफिनेटली आपको प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटीज दोनों के बारे में एक डिस्कशन करना पड़ेगा दो से तीन लाइन में। फिर जब आप वहां पे उसको अप्लाई करेंगे, तो प्राइमरी सेक्टर के, प्राइमरी एक्टिविटीज के आपको न सिर्फ क्लासिफिकेशन बताने हैं, बल्कि उनको अप्लाई भी करना है, इसी प्रकार से फिर सपोर्ट एक्टिविटी में भी करना है। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, जो तीन क्वेश्चन है प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज के, दैट इज रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग, पहले तीन क्वेश्चन अपनी पीडीएफ में, लेकिन जो चौथा क्वेश्चन है वो ट्रेडिंग सेक्टर का है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वो अगर ट्रेडिंग सेक्टर में हम अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या चेंज आता है, यू विल नॉट फील कंफर्टेबल व्हाइल सॉल्विंग केस स्टडी नंबर फोर। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पे अपन कर रहे हैं। देखिए अब आइए बेटा पेज नंबर फर्स्ट ही है इसका, जहां पे प्राइमरी एक्टिविटी अब ट्रेडिंग सेक्टर में कैसे वर्क करेगी। पहले बात तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, चाहे कोई भी सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, या सर्विस सेक्टर हो, तीनों ही सेक्टर में आपका सपोर्ट एक्टिविटीज 100% सेम है। मतलब एक हेडेक तो खत्म हुआ कि अगर कभी सपोर्ट एक्टिविटी हमें कोई भी सेक्टर का पूछ ले, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उनके मीनिंग भी वही है, उनके क्लासिफिकेशन भी वही है। लेकिन जब मैं बात करता हूं प्राइमरी एक्टिविटीज की, तो अलग अलग सेक्टर में क्लासिफिकेशन तो वही पांच है, पूरे हेडिंग भी वही है, लेकिन जो अंदर के कंटेंट है उनके मीनिंग बदल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी तक अपन ने पढ़ा इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या क्या, रिसीविंग द मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर, स्टोरिंग द रॉ मटेरियल एंड इश्यूइंग टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जबकि अगर अपन ट्रेडिंग सेक्टर की बात करें, तो ट्रेडिंग सेक्टर में अपन नाम ले लेते हैं, मान के चलिए यहां पर डीमार्ट का, डिमांड इज इन द ट्रेडिंग सेक्टर। तो इसके लिए इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या होगा? हो सकता है इनबाउंड लॉजिस्टिक का इसका इसके लिए इसने अपना सेंट्रलाइज वेयरहाउस मेंटेन किया हो, क्योंकि डीमार्ट हो गया, बेस्ट प्राइस हो गए, बिग बाजार हो गए, वॉलमार्ट हो गया, अमेजन ले लो आप, तो हो सकता है इनके पास सेंट्रलाइज वेयरहाउस हो। तो यहां पर इनका इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब होगा रिसीविंग द गुड्स फ्रॉम द सप्लायर, स्टोरिंग द सेम इन द सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस। अंतर समझ पा रहे हो बेटा? स्टोरिंग द सेम इन द सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस। और जो ट्रेडिंग सेक्टर होते हैं, अपन एक बड़े कॉर्पोरेट की बात करेंगे, तो उसके पास कोई एक दो लोकेशन नहीं होती है जहां पे वो अपना गुड्स बेचते हैं, मल्टीपल लोकेशन होती है, उनको अपन बोलते हैं रिटेल स्टोर। एंड इश्यूइंग द रॉ मटेरियल, इश्यूइंग द गुड्स टू द रिटेल स्टोर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय देम। तो यहां पे नया वर्ड क्या आ गया? अभी तक था रिसीविंग द रॉ मटेरियल, इश्यूइंग द रॉ मटेरियल एंड स्टोरिंग द रॉ मटेरियल, इश्यूइंग टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ट्रेडिंग सेक्टर में कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो होगा नहीं, तो ये रिसीविंग का मतलब है रिसीविंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम अ न्यूमरस सप्लायर, स्टोरिंग द सेम इन सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस, ये नया वर्ड आ गया, एंड इश्यूइंग द रॉ मटेरियल टू द रिटेल स्टोर। यहां पर प्रोडक्शन ना होके यहां पर रिटेल स्टोर आ गया, डिफरेंस समझ पाए बेटा? चलिए सेकेंड पॉइंट, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग में क्या पढ़ा था? हर वो एक्टिविटी जो मेरे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, हर वो एक्टिविटी जो मेरे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है वह मेरे लिए ऑपरेशन होता है। लेकिन यहां पर हम जब ट्रेडिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो जो हमने खरीदा है वही हम बेचते हैं, तो यहां पर ऑपरेशन का मतलब क्या है? यहां पे आपको फैक्ट्री तो मिलेगा नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो है नहीं, तो इनके लिए ऑपरेशन का मतलब है डिफरेंट स्टोर के जो रनिंग है उसको मैनेज करना, अपने जो रिटेल स्टोर है उसके प्लांट के लेआउट को मैनेज करना, अलग अलग स्टोर में आपका इन्वेंटरी लेवल कितना रहना चाहिए इसको मैनेज करना। तो यहां पर ऑपरेशन का मतलब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने से नहीं है, ट्रेडिंग सेक्टर में ऑपरेशन का मतलब है मेंटेनिंग द न्यूमरस रिटेल स्टोर,
प्लानिंग द लेआउट ऑफ द रिटेल स्टोर, मैनेजिंग द इन्वेंट्री लेवल, ये सब इसके ऑपरेशन में जाएगा, ऑपरेशन ऑफ ट्रेडिंग सेक्टर। आउटबाउंड लॉजिस्टिक की बात करेंगे तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक मतलब होता था कस्टमर को फैक्ट्री गेट से कस्टमर को डिलीवर करने तक का वेयरहाउसिंग करने का पूरा जो एक्टिविटीज होती थी दैट विल बिलोंग टू आउटबाउंड लॉजिस्टिक। यहां पे क्या होगा, आपका सेंट्रलाइज वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट आ जाएगा। फिर जब आप अपने डिलीवरी व्हीकल ऑपरेशन की बात करते हैं तो उसमें आ जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रेडिंग सेक्टर का, ये वाला पॉइंट, इनवॉइसिंग के समय आप देखिएगा अधिकतर अगर कंज्यूमर कंप्लेंट डीमार्ट बैक्स प्राइस बिग बाजार को आती है कि यार हम शॉपिंग में तो बड़ा एंजॉय करते हैं लेकिन जब हम क्यू में लगते हैं तो वहां पे मिनट्स लगते हैं, कभी कभी तो 30-40 मिनट्स भी लग जाता है हमें क्यू में, तो इनवॉइस में आपका समय बहुत ज्यादा लगता है। तो हम कोशिश करेंगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक में, आउटबाउंड क्योंकि हम कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, इनवॉइसिंग का टाइम कम से कम होगा, जितनी जल्दी कस्टमर को हम फ्री कर पाएंगे उसके शॉपिंग के बाद उतना ज्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ेगा। क्योंकि वेटिंग करा के न सिर्फ हम अपनी कॉस्ट ज्यादा इनकर कर रहे हैं बल्कि कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है उसके कारण। मार्केटिंग एंड सेल बिल्कुल सेम है, अगर मैं ट्रेडिंग सेक्टर की बात करूं तो मार्केटिंग एंड सेल का मतलब वो मींस जिसके द्वारा मैं अपने प्रोडक्ट को अवेयर कराता हूं अपने कस्टमर को, सिमिलर है। सर्विस का मतलब यहां पे भी वही है जो था, सर्विस का मतलब जो इंस्टॉलेशन, तो देखिए ये करते नहीं, ये दे आर द ट्रेडर, इंस्टॉलेशन करेगा मैन्युफैक्चरर। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब है यहां पे अगर रिटर्न भी एक्सेप्ट करते कि अगर प्रोडक्ट क्वालिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली नहीं है या आपने कोई प्रोडक्ट ले गया उसकी क्वालिटी आपको नहीं समझ में आ रही तो आप उसको इतने डेज के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, तो जो सेल्स रिटर्न है उसको यहां पे जो मैनेज करेंगे वो यहां पे हमारे सर्विस में आएगा। तो देखिए बेटा कितना इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको एक टॉपिक को मैन्युफैक्चरिंग एंगल से भी सोचना है, ट्रेडिंग के एंगल से भी सोचना है, क्योंकि जब तक आपने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा और उसने केस स्टडी मैन्युफैक्चरिंग पे ड्राफ्ट किया तब तक कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वो उस कंसेप्ट को ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर में लगाना चाहेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आइए बेटा केस स्टडी नंबर 4 में, एक अच्छी केस स्टडी है आपके पास अवेलेबल, केस स्टडी नंबर 4 इसको सॉल्व करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले अपन रिक्वायरमेंट पार्ट में आएंगे, इसमें आप देखेंगे तो आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है 13.08 पेज नंबर, मतलब जो थर्ड स्टडी मटेरियल आपका एक्सक्लूसिवली चैप्टर नंबर 3 केस स्टडी का उसके पेज नंबर 8 का है, ट्रेडिंग सेक्टर का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसके रिक्वायरमेंट पार्ट में आइए, मैप द वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म एट द कंपनी टू द पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल। उसने वेरियस एक्टिविटीज बोला है, प्राइमरी सपोर्ट कुछ भी नहीं बोला, तो अपने को इस क्वेश्चन में ना सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी बल्कि सपोर्ट एक्टिविटीज भी अपने को यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके वो अपने को नंबर मिलेंगे। तो क्या क्या पैटर्न होगा बेटा इसका, पहले बिना उसके स्ट्रक्चर को देख के बताए, सबसे पहले अपन डेफिनेशन बता देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव बता देंगे, फिर ऑथर, फिर वेरियस एक्टिविटीज बोला है तो अपन 2-3 लाइन में एक पैरा बनाएंगे कि पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल के हिसाब से क्या क्या एक्टिविटीज है, प्राइमरी एंड सपोर्ट, उनके मीनिंग लिख देंगे। लिख दिया, फिर नेक्स्ट आपका जाएगा इसमें स्ट्रक्चर में, प्राइमरी एक्टिविटीज को क्लासिफाई कीजिए, जनरल मीनिंग लिखिए, जनरल मीनिंग, और फिर ट्रेडिंग सेक्टर का स्पेसिफिक मीनिंग लिखिए वो क्या होता है उसको अप्लाई करके बताना है। फिर इसी प्रकार से सपोर्ट एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटी चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, तीनों में सेम रहेगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप समय देता हूं बेटा आपको पढ़ने के लिए, एक बार आप पढ़िए इसको, 4 मिनट में आपको दे रहा हूं, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कौन से पैरा की कौन सी चीज अपन कहां पे मेंशन कर सकते हैं। 4 मिनट है बेटा आपके पास।
चलिए बेटा और समय आपको रिक्वायर्ड है तो आप बिल्कुल लेक्चर पॉज कर लीजिएगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे, तो पहले इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चर क्या होगा देख लीजिए आप। उसका केस स्टडी नंबर 4 का डेफिनेशन हम लिखेंगे, स्ट्रक्चर बिल्कुल आप जाइए बेटा आप देखिए, कंपैरिजन कीजिएगा पांचों केस स्टडी और फिर आप अपने आप में देखिएगा कॉन्फिडेंस के, अगर कोई भी नई केस स्टडी आपके अटेम्प्ट के पहले आरटीपी या एमटीपी के थ्रू या इवन आपके एग्जामिनेशन पेपर में मिलती है इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्राइमरी इन सपोर्ट एक्टिविटीज में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको डील करने में, क्योंकि अपन ने अच्छे से क्या क्या लिखना है उसको बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक उसका सिक्वेंस बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया। डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव ऑथर नेम, नया क्या हो रहा है ऊपर वाली तीन केस स्टडीज के मुकाबले, यहां पे दो से चार लाइन में अपन एक्सप्लेन करेंगे कि माइकल पॉर्टर के हिसाब से दो टाइप में एक्टिविटीज बायफर्केट होती है, पहला प्राइमरी उसका मीनिंग बता देंगे, सपोर्ट उसका मीनिंग बता देंगे। अब चालू होती है ट्रेडिंग सेक्टर में प्राइमरी एक्टिविटी, सबसे पहले आप क्लासिफाई कर दीजिए इसको कि हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या है, फिर आपको एक जनरल मीनिंग लिखना पड़ेगा, जनरल मीनिंग इन द सेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मतलब होता है रिसीविंग स्टोरिंग एंड इशूइंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर आप नेक्स्ट लाइन में बताएंगे क्योंकि ये ट्रेडिंग सेक्टर है इसलिए ट्रेडिंग सेक्टर में यहां पे मतलब होगा रिसीविंग द गुड्स फ्रॉम न्यूमरस सप्लायर, स्टोरिंग इट इन द सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस एंड इशूइंग टू द रिटेल स्टोर विल फॉल अंडर द इनबाउंड लॉजिस्टिक। लेकिन यहां पे खत्म नहीं हुआ बेटा, ये अभी भी थ्योरेटिकल गया है, क्वेश्चन के हिसाब से अब आपको यहां पे उसको डील करना पड़ेगा कि आपने ये बता दिया इनबाउंड लॉजिस्टिक में मैन्युफैक्चरिंग का जनरल मतलब क्या होता है। मेरे ख्याल से आप इसको अवॉइड कर सकते हो, ऐसे का जब आप सजेस्टेड आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो उन्होंने हर एक्टिविटीज का न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बताया है बल्कि ट्रेडिंग का भी बताया है। मैं मेरे हिसाब से अगर मेरा व्यू अगर मैं फॉलो करता हूं तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ मैं एक्टिविटी बताऊंगा, एक्टिविटी का डायरेक्टली मैं ट्रेडिंग का मतलब बताऊंगा। मैं क्यों इस क्वेश्चन में मैं क्यों अपने क्लाइंट को यह बताऊंगा कि भैया मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इसका मतलब ये होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है बेटा, वो चाहता है कस्टमाइजेशन वर्क तो मैं उससे रिलेटेड बात करूं। लेकिन फिर भी मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो आईसीए का सजेस्टेड आंसर है वही मैं आपको कम्युनिकेट करूं, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस और नंबर तो आईसीए ही देगा, है ना। तो सबसे पहले आईसीए ने क्या किया है, हर एक्टिविटीज में पहले मैन्युफैक्चरिंग में उस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है वो डिफाइन किया, फिर हर एक्टिविटी में ट्रेडिंग सेक्टर में इसका क्या मतलब होगा वो डिफाइन किया, और फिर उसी हर एक एक्टिविटी में नेक्स्ट पैरा में फिर क्वेश्चन वाइज इंफॉर्मेशन दिया है, तो हम बोलेंगे हाँ हमने प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी को क्वेश्चन वाइज स्पेसिफाई किया है। तो जो सेकंड पैरा है आपका, ये आपका काम आएगा इनबाउंड लॉजिस्टिक में, इनबाउंड लॉजिस्टिक में आपको यहां से चीजें उठाना पड़ेगा कि हमें जो मटेरियल मिलेगा वो मोर देन 500 वेंडर से मिलेगा, हम यहां पे जेआईटी इन्वेंटरी पॉलिसी रखते हैं जिसके कारण हमें बहुत कम मटेरियल को वेयरहाउस करना पड़ता है, डायरेक्टली जो भी हमारे रिटेल स्टोर है सीधा मटेरियल वहां पे ही डिलीवर होता है, और कंपनी के पास खुद के अपने डिलीवरी व्हीकल है जिससे वो अपने सप्लायर से मटेरियल पिकअप करते हैं और अपने रिटेल स्टोर को डिलीवर करते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था तीन रिक्वायरमेंट होती है, पहला थ्योरेटिकल का स्ट्रॉन्ग बेस, सेकेंड क्वेश्चन से चीजें आपको उठाना पड़ता है जो आज अपन इस क्वेश्चन में ले रहे हैं, एंड द थर्ड पॉइंट इज फिर उसको अप्लाई करना है आपको। फिर सेकंड आपका ऑपरेशन आएगा, ऑपरेशन में आप बताइए मैन्युफैक्चरिंग में उसका मीनिंग क्या होता है, ट्रेडिंग में मीनिंग क्या होता है। अब आपको यहां पे बताना पड़ेगा, यहां पर ऑपरेशन का मतलब है कि जो भी हमारे स्टोर है, कितने स्टोर है अपने पास ऊपर दिया है मोर देन 100 स्टोर, इनको मैनेज करना, इनके इन्वेंट्री लेवल को मैनेज करना, ये सब आएगा हमारे ऑपरेशन में। थर्ड है आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मतलब फाइनली अपने कस्टमर को डिलीवर करना और उसका वेटिंग टाइम कम से कम करना। तो देखिए यहां पे आपको दिया हुआ है सब चीज कि हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक हम कैसे मेंटेन करते हैं, हम कोई भी फ्रेंचाइजी मॉडल पे वर्क नहीं करते हैं, जितने भी स्टोर है ये खुद के हमारे द्वारा ओन्ड है जिसके कारण हम अपने कस्टमर को क्वालिटी सर्विस दे पाते हैं, ऐसा इन्होंने भी बताया। फिर नेक्स्ट आप मार्केटिंग और सेल्स में आएंगे, तो उसके लिए ये वाला पैरा है आपका मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए कि हम यहां पे नीड बेस्ड मार्केटिंग करते, लिखा हुआ है वो आपको लिख के आना पड़ेगा, हम नीड बेस्ड मार्केटिंग करते हैं, मतलब हम एग्रेसिव मार्केटिंग में नहीं जाती है कंपनी, ये कंपनी फोकस करती है कि अपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करो,
बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करो, वो अपनी माउथ पब्लिसिटी के द्वारा ही आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को लोगों तक अवेयर कराएगा। तो ये पॉइंट यहां पे हो गया। तो देखिए सब चीज दिया रहता है, सर्विस के बारे में कुछ नहीं बोला, तो वहां पे पहले मैन्युफैक्चरिंग का मतलब लिखेंगे, ट्रेडिंग का मतलब लिखेंगे, और फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक अपन वहां पे कुछ भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमें कोई भी जानकारी नहीं दिया है। फिर एम्प्लॉई से रिलेटेड अब यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटीज आपकी स्टार्ट होती है। सपोर्ट में प्रोक्योरमेंट आ गया, प्रोक्योरमेंट में बिल्कुल आप लिख सकते हो मोर देन 500 वेंडर से परचेज करते हैं जीआईटी सिस्टम के अंदर, जिसमें हम चाहेंगे वो हमें क्वालिटी मटेरियल ही डिलीवर करे। फिर जब आप एचआरएम की बात करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो ये पैरा आपको बड़ा काम आएगा। आप अपने एम्प्लॉयज से रिलेटेड उनको क्या बोनस दे रहे हो, उनका टर्नओवर क्या है, वो सब चीजें यहाँ पे दिया हुआ। फिर एक और पॉइंट है आपके पास सपोर्ट एक्टिविटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो चीज आप यहाँ पे लिखिए कि आपने SAP R3 इंप्लीमेंट किया है, तो पूरा क्वेश्चन आपको बहुत इजीली कम से कम समय में आप इसको कर पाएंगे। स्ट्रक्चर क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ पे जब भी ट्रेडिंग का आएगा या सर्विस का भी आएगा, आप सर्विस में भी देखिएगा इंस्टीट्यूट का बिल्कुल वही तरीका था जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 100% आईसीए का वही तरीका था। पहले हम एक्टिविटीज के मैन्युफैक्चरिंग के मीनिंग बताएंगे, फिर हम एक्टिविटीज के ट्रेडिंग या सर्विसेज के मीनिंग बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन स्पेसिफिक उसको अप्लाई करके बताएंगे। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का पहले आप स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसकी टोटल 3 रिक्वायरमेंट पार्ट है, लेकिन अभी अपन इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1 को डील करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 2 और 3 इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। तो यहां पे इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, जब भी चैप्टर नंबर 4 अपन कंप्लीट करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन दोबारा आपको मिलेगा फॉर रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 2 एंड 3। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट पार्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब बताइए कौन से पैरा आप यहां पे नहीं लिखेंगे कि हमारे पास 2 एक्टिविटी होती हैं, कि ये मतलब है। अब सपोर्ट एक्टिविटीज के बारे में पूरे क्वेश्चन में कोई डिस्कशन नहीं होगा। फिर वही वर्ड ऑफ स्टेवल, स्टेवल क्लाइम का नाम है, मतलब यहां पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, यहां पे भी आपको अप्लाई करके देना पड़ेगा। तो इस सर्विस सेक्टर के होटल में क्वेश्चन है, ये होटल इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, तो हम पूरी एक्टिविटीज को पहले मैन्युफैक्चरिंग की डिफाइन करेंगे, फिर हम बताएंगे सर्विस सेक्टर में उसका मतलब क्या होता है, और हर एक एक्टिविटी के थर्ड पैरा में हम बताएंगे कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या क्या होता है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एक सर्विस सेक्टर में एंड खासकर होटल इंडस्ट्री में अलग अलग प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब क्या क्या होता है, सपोर्ट एक्टिविटीज विल रिमेन सेम। तो आइए पहले बेटा पेज नंबर 2 में आइए, सबसे पहले आप ये थ्योरेटिकल नॉलेज गैदर कीजिए कि प्राइमरी एक्टिविटीज एक सर्विस इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में क्या क्या होगी। पेज नंबर 1 में इनबाउंड लॉजिस्टिक, यहां पे रिसीविंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर, स्टोरिंग एंड इश्यूइंग टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां पे अगर होटल इंडस्ट्री में अगर अपन सर्विस सेक्टर की बात करें तो रिसीविंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर अनडाउटेडली, लेकिन यहां पे फूड आइटम्स आएगा जो हम रूम सर्विस के थ्रू अपने बंदों को या तो कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं अपने गेस्ट को, या तो चार्जेबल बेसिस पे होता है। बाथरूम एमिनिटीज जो जनरली फ्री होती है 4-star 5-star होटल में, वो सब रॉ मटेरियल रखना और फिर उसको प्रॉपरली स्टोर करना, ताकि आउटबाउंड लॉजिस्टिक जो थर्ड एक्टिविटी है, जब भी कस्टमर डिमांड करेगा तो हम उसको प्रॉपरली डिलीवर कर पाए। ठीक है, तो पढ़िए, कीपिंग ऑल द फूड आइटम्स बाथरूम एमिनिटीज प्रॉपरली स्टोर्ड टिल द आइटम्स इज ऑर्डर्ड बाय द गेस्ट, ये होगा आपका सर्विस सेक्टर में होटल इंडस्ट्री में। ऑपरेशन का मतलब यहां पे क्या है, यहां पे कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं है, तो मेंटेनेंस ऑफ होटल प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग कॉमन एरिया, इंक्लूडिंग गेस्ट रूम, इंक्लूडिंग कॉन्फ्रेंस रूम, तो प्रॉपर नीट एंड क्लीन एंड टाइडी हर चीज आपकी वर्किंग है या नहीं, ये कहलाएगा आपके ऑपरेशन में एक सर्विस सेक्टर होटल इंडस्ट्री में। आउटबाउंड लॉजिस्टिक होगा, जब भी कस्टमर कुछ भी ऑर्डर करता है आप उसको क्या टाइमली डिलीवर कर पा रहे हो। कस्टमर फूड आइटम्स आपसे डिमांड कर सकता है, 4-star 5-star होटल है तो आपसे ड्रिंक डिमांड कर सकता है, वो आपसे एक्स्ट्रा बाथरूम एमिनिटीज डिमांड कर सकता है, वो आपसे और भी कोई सर्विस डिमांड कर सकता है, ड्राई क्लीनिंग सर्विस डिमांड कर सकता है। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब जब भी कस्टमर रूम सर्विस के द्वारा या फ्रंट डेस्क पे कुछ भी कॉल करता है तो उसको समय पर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली डिलीवर करना, ये हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक है। मार्केटिंग एंड सेल, वही अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट
प्राइमरी एक्टिविटी अगर आपके सर्विस सेक्टर में कोई है तो वो है लास्ट एक्टिविटी सर्विस, सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर ये अपने को पता ही नहीं होगा कि सर्विस सेक्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी है तो अपन ऊपर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने इसको देखिए वो फॉन्ट अलग लिखा हूं मैंने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन इन सर्विस इंडस्ट्री इज सर्विस, टू एंश्योर गुड सर्विसेज देयर बाय मेकिंग गेस्ट हैप्पी। एक ही टारगेट है लास्ट एक्टिविटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने गेस्ट को हैप्पी रखना, चाहे वो फ्रंट डेस्क वाली एक्टिविटी हो, चाहे वो रूम सर्विस हो, चाहे वो शटल सर्विस हो, चाहे वो कैब सर्विस हो, चाहे वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग जो आपके बंदे कैसे डील करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कितने कम समय में वो अपने गेस्ट को सर्विस दे पा रहे हैं, ये सब चीजें आपकी सर्विस में आएगी। तो जब भी इसका क्वेश्चन आएगा सर्विस सेक्टर प्राइमरी एक्टिविटी का, तो सबसे ज्यादा फोकस जो करेंगे आप वो करेंगे आप इस लास्ट पार्ट में जो है लास्ट प्राइमरी एक्टिविटी दैट इज सर्विस, क्योंकि यही आपकी कंपनी को दूसरे बंदों से अलग बनाएगा, दूसरे इंडस्ट्री के मेंबर से अलग बनाएगा कि आप अपने गेस्ट को कितना सेटिस्फाइड कर पाए अपनी रूम सर्विस के द्वारा, अपने फ्रंट डेस्क के द्वारा, अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर एटीट्यूड के द्वारा, जो भी चीजें यहां पे वो इंटरेक्ट करते हैं उनसे। ठीक है, चलिए तो आइए बेटा केस स्टडी नंबर 5, फिर मैं आपको 4 मिनट देता हूं बेटा, एक बार जल्दी से आप इस क्वेश्चन की रीडिंग लगाइए। नेक्स्ट ऑनवर्ड्स में क्या करूंगा मैं आपको, अब एक्स्ट्रा समय नहीं दूंगा पढ़ने के लिए, आप लेक्चर पॉज कीजिएगा फिर पढ़िएगा, लेकिन ठीक है आज ये अपना पहला लेक्चर था तो बिल्कुल हक बनता है आपका कि विद इन द लेक्चर ड्यूरेशन ही आप इसको कंप्लीट करो। तो मैं समय देता हूं आपको, आप पढ़िए इसको 4 मिनट में, फिर अपन इसको चालू करते हैं। सर्विस सेक्टर का क्वेश्चन है जिसमें प्राइमरी एक्टिविटी बताना है, मतलब डेफिनेशन पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑथर और सीधा प्राइमरी एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है। 4 मिनट से बेटा आपके पास।
चलिए बेटा पढ़ लिया आपने, अब आइए इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जब आपने फर्स्ट पैरा पढ़ा तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी यहां पे प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड, सपोर्ट एक्टिविटी से रिलेटेड अगर कुछ भी मिलेगा तो हमारे काम का नहीं है। तो साथ में पढ़ते हैं और मैं आपको आइडेंटिफाई करके देते जाता हूं कि आपको पांच प्राइमरी एक्टिविटीज में कहां कहां पे कौन कौन सा पॉइंट लिखना है। याद रखिएगा हमेशा केस स्टडी के लिए मुझे तीन पॉइंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस, सेकेंड इनपुट फ्रॉम द क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में, एंड थर्ड योर एप्लीकेशन एबिलिटी कि कौन सा इनपुट मुझे कौन सी एक्टिविटी में क्लासिफाई करना है। सो क्लाइंट का नाम है स्टेवेल होटल, ये हमारे मुंबई एयरपोर्ट के आसपास है, बजट होटल के रूप में हम वर्क करते हैं। हम उन बंदों को अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं जो कॉस्ट कॉन्शियस है, जो एक दिन या दो दिन के लिए हमारे पास रुकते हैं। एक हमारे रूम में टिपिकली एक कंफर्टेबल बेड होता है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है और बेसिक एमिनिटीज जो जो है वो चीज है। लिमिटेड फूड मेनू हम अवेलेबल कराते हैं अपने प्रीमाइसेस में। कॉन्फ्रेंस रूम भी है हमारे पास ताकि अगर बंदा बिजनेस मीटिंग करना चाहे तो मीटिंग कर सकता है। दिस सेव देम प्रीशियस टाइम अदरवाइज ट्रेवलिंग वेस्टेज ऑफ टाइम इन कंजेस्टेड सिटी रोड। द होटल प्रोवाइड फ्री शटल सर्विस टू एंड फ्रॉम द एयरपोर्ट एट स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग द एंटायर डे। ये पहला पॉइंट आपको मिला आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में सर्विस में, जो लास्ट पॉइंट है मेकिंग योर कस्टमर हैप्पी। तो हमारे फिक्स स्लॉट में हम एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप देते हैं शटल सर्विस के द्वारा। तो ये पहला पॉइंट आएगा आपका लास्ट एक्टिविटी प्राइमरी में सर्विस एक्टिविटी। होटल प्रॉक्सिमिटी टू द एयरपोर्ट, द फ्री शटल सर्विस एंड कन्वीनियंस ऑफ कंडक्टिंग वर्क एट द कॉन्फ्रेंस रूम हैव बीन मार्केटेड टू अट्रैक्ट गेस्ट्स टू स्टे देयर। तो जो सेकेंड पॉइंट है बेटा ये आपका जाएगा मार्केटिंग एंड सेल्स में, कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी होटल को कंज्यूमर को अवेयर कराइए कि हमारी जो होटल है वो एयरपोर्ट से इतने किलोमीटर दूर है, हमारी होटल में आपको कॉन्फ्रेंस रूम भी मिलेगा, फ्री शटल सर्विस भी मिलती है। अपने प्रोडक्ट के, अपने फीचर्स के, अपने ब्रांड के लोगों तक अवेयर कराना वो कहलाता है मार्केटिंग एंड सेल। आप समझ पा रहे हो बेटा, पहले आपको अगर स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल नॉलेज हुआ तो बहुत इजीली फिर पहली रीडिंग में, नहीं पहली रीडिंग आपको सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू देती है कि केस स्टडी किस बारे में है, क्या क्या हमें कंटेंट दिया है। ये जो चीज मैं कर रहा हूं ये पहली स्टडी में पॉसिबल नहीं है। एक बार जब आप रीडिंग लगा लेते हो 4 से 5 मिनट में इस लेंथ के क्वेश्चन को, जब आप दोबारा रीड आउट करते हो उस क्वेश्चन को तो फिर आप अप्लीकेशन पार्ट कीजिएगा। नहीं तो गलती क्या होती है, अपन पहली रीडिंग से ही जब अप्लाई करना सीखते तो उसमें बहुत गलतियां होती है, पता चलता है वाला पॉइंट आगे कुछ और बोल रहा है तो बार बार कंफ्यूजन बढ़ता है। तो पहली रीडिंग हमेशा एक न्यूज़पेपर रीडिंग टाइप की लगाइएगा जिसमें आप अपने आप से एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको 10-15% 20% क्वेश्चन के कंटेंट समझ में आया है। सेकेंड रीडिंग जब आप एकदम माइन्यूट और इंटरप्रिटेटिव रीडिंग लगाएंगे तब जाके आप ये चीजों को फिर अप्लाई कर पाते हैं। तो दो एक्टिविटीज से रिलेटेड अपने को डिटेल मिली अभी तक, पहला आपका सर्विस, सेकेंड है आपका मार्केटिंग एंड सेल। द गेस्ट ऑल्सो कंप्राइज ऑफ पीपल हु आर ट्रांसिट बिटवीन एयरपोर्ट। ऑल्सो वेन देर आर लॉन्ग ड्यूरेशन डिले इन फ्लाइट ऑपरेशन ड्यू टू विच पैसेंजर नीड टू बी प्रोवाइडेड ओवरनाइट अकोमोडेशन, फ्यू एयरलाइन ऑपरेटर होस्ट देयर गेस्ट हियर। तो न सिर्फ हमारे पास डायरेक्टली कंज्यूमर आते हैं बल्कि हमारा टाइप भी है एयरलाइन के साथ। तो यहां पे आप चाहो तो ये पॉइंट भी आप मार्केटिंग एंड सेल में जरूर कवर कर सकते हो। लाइक ऑल गेस्ट दिस एयरलाइन ऑपरेटर आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्टेवेल फॉर इट्स लोकेशन एंड लो कॉस्ट रूम रेंटल। मतलब जो कस्टमर हमारा यूएसपी मानता है, कोर कॉम्पिटेंसी मानता है, वही एयरलाइंस कंपनी भी हमारे से वही एक्सपेक्ट करती है कि हमारी लोकेशन बहुत अप्रोक्सीमेटली है, प्रॉक्सिमिटी में है एयरपोर्ट के, और दूसरा हमारे रूम जो है वो लो कॉस्ट बेसिस पर है। ओवर द पास्ट डेकेड मैनेजमेंट ऑफ स्टेवेल हैज प्लग्ड इन प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस एस्टेब्लिशमेंट टू एक्वायर सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अदर मेजर सिटीज। अब जब आप देखेंगे बेटा ये जो आपको पैरा दिख रहा है सेकेंड और थर्ड पैरा, ये आपके लिए काम आएगा सेकेंड और थर्ड पॉइंट से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट में आप जब प्रोडक्ट प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ेंगे तो प्राइमरी एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फर्स्ट पैरा काम का, सेकेंड और थर्ड पैरा आपका सेकेंड और थर्ड रिक्वायरमेंट पार्ट के लिए है। तो यहाँ पे इनबाउंड लॉजिस्टिक के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो जनरल डिस्कशन करना है, ऑपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो जनरल डिस्कशन करना है कि मेंटेनेंस ऑफ ऑल द गेस्ट रूम, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम, मेंटेनेंस ऑफ कॉमन एरिया विल फॉल अंडर द हेड ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक,
मतलब जब भी कस्टमर डिलीवर करे, रूम सर्विस है या वो फ्रंट डेस्क पे आके बैठा है, तो उसको टाइमली मैनर पर एफिशिएंटली इफेक्टिवली उसको डिलीवर कर पाए। फिर मार्केटिंग एंड सेल के बारे में बोला, सर्विस के बारे में आप जितना ज्यादा लेंथ दोगे उतना ज्यादा वेटेज मिलेगा आपको उसमें। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका फर्स्ट लेक्चर। अभी इसका 5 क्वेश्चन और बाकी है, हार्डली दे विल टेक 1 hour to 1 hour 15 minute, approximately 75 minutes का लेक्चर रहेगा। वो मैं आपको अल्टरनेट डे, जैसे मैंने आपको कमिट किया हूं कि आज 25 जुलाई से मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, अल्टरनेट डे आपको ये लेक्चर्स मिलते जाएंगे बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बचे हुए क्वेश्चन का भी मिलेगा, प्लस नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको चैप्टर नंबर 2 के, जी हाँ चैप्टर नंबर 2 के आई थिंक 5 केस स्टडी, उसमें वो 5 केस स्टडी अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ जाता है, बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक, थोड़ी लैंग्वेज भी उसकी अनकॉमन है, उसको आपको डील करना है। तो ये सब टॉपिक है, उसमें 2 सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटा सा केस सिनेरियो आपको मिलेगा वहां पे टीक्यूएम टॉपिक से रिलेटेड। होप यू एंजॉयड दिस बेटा, कमेंटिंग करते रहिए बिल्कुल आप। अगर आपको कुछ भी चेंजेस इसमें और रिक्वायर्ड है, आपको लगता है ये चीज को अपन डील करना है, तो प्लीज प्लीज आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल पर्सनली उसको रीड करता हूँ बेटा, मेरा स्टाफ रीड नहीं करेगा, पर्सनली मैं अपने यूट्यूब चैनल को खुद हैंडल करता हूँ कमेंटिंग पार्ट का, ताकि बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है अगर मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में फुलफिल कर पाऊँ तो इट्स माई प्लेजर, है ना। तो होप यू एंजॉयड दिस सेशन बेटा, इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू करेंगे, हर क्वेश्चन का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, अपने तरफ से आप पूरे एफर्ट्स दीजिएगा, डेफिनेटली पावर ऑफ कॉन्फिडेंस विल बी विद इन यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।